हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स। मेरा नाम है अर्पित जैन, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स कोर्सेज। हम बात कर रहे थे सीक्वल के बारे में, जिसमें हमने मल्टीपल डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ी। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में गाइस। तो जस्ट क्विक रिकैप देखें, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो हमने बात करी थी ऑपरेटर्स के बारे में। व्हाट आर ऑपरेटर्स? डिफरेंट तीन टाइप के ऑपरेटर्स थे, कंडीशनल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो हमने ये तीन ऑपरेटर्स के बारे में इन डिटेल समझा था, कुछ प्रॉब्लम्स भी करे थे, और हमने ये समझा था किस तरीके से हम ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं इन आवर डे टू डे सीक्वल क्वेरीज। और आज हम प्रोमिनेंटली बात करने जा रहे हैं एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। सो एग्रीगेट फंक्शंस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, हम इन डिटेल बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि सॉर्टिंग फंक्शंस सीक्वल में कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। सो एग्रीगेट फंक्शंस प्लस सॉर्टिंग फंक्शंस, दैट्स गोइंग टू बी द एजेंडा फॉर टुडे। सो इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। एक बार ध्यान रखेंगे, जो इस वीडियो में हम जो डेटा सेट का यूज करेंगे, आपको याद होगा हम mode.com का यूज कर रहे थे, जो फ्री प्लेटफॉर्म है फॉर एनी कंप्यूटेशनल पर्पसेस और एकेडमिक पर्पसेस, जिसमें हम डेटा सेट्स को फ्री एक्सेस कर सकते हैं फॉर एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम आज फिर इस वीडियो में भी mode.com का यूज करेंगे, एंड mode.com के अंदर जितने भी आपके डेटा सेट होंगे, उसमें से हम कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स को चूज करके वो यूज करेंगे जो हमारे पर्पस में काम आएगा। सो SQL के अंदर बेसिकली mode.com के अंदर हमारा एक टेबल है। आपने याद होगा हमने लास्ट कार्स डिटेल्स 1 को यूज किया था, राइट? सो कार डिटेल 1, अगेन सेम SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, इसमें कार डिटेल 1 यूज किया था। आज हम यूज करने जा रहे हैं कार डिटेल 4। तो क्विकली आपको मैं एक वर्क अराउंड दिखा देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली कार डिटेल 4 टेबल कंसिस्ट ऑफ। तो किस किस टाइप के कॉलम्स हैं, क्या क्या डिटेल्स है, एक बार क्विकली वर्क अराउंड देख लेते हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड। एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यस, सो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे सेम mode.com का प्लेटफॉर्म है। आपको mode.com पे लॉग इन करना है, एक प्लस बटन राइट साइड टॉप में रहता है, आपको उसमें क्विकली अपना एक न्यू रिपोर्ट क्रिएट करना है। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, अगर आप बोलेंगे मैं क्विकली आपको वापस से दिखा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, अगर आप देखेंगे मैं सिंपल mode.com यूज करूंगा, इसमें मुझे साइन इन करना है अपने अकाउंट से। आपको पता है हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। तो साइन इन करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे प्लस करके न्यू रिपोर्ट दिखाई देता है राइट साइड में। तो हम प्लस करेंगे तो आपको वो सीक्वल विंडो दिखाई देगा, एग्जैक्टली इसी स्क्रीन पर आप आ जाओगे प्लस करते हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि अब जो हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट है, इसमें से कार्स डिटेल्स 4 को हम यूज करेंगे किस तरीके से। तो राइट साइड में आपके पास ऑप्शन दिखाता है सर्च करने का। तो इसमें हम एक्चुअली सर्च कर सकते हैं कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना है। तो हमें कार डिटेल्स 4 यूज करना है। तो मैं काम करता हूं कार डिटेल्स _4 टाइप करता हूं। तो अब जैसे ही कार डिटेल्स 4 टाइप करेंगे, आपको ये पूरा का पूरा डेटाबेस के साथ ये डिटेल पता चल गया। तो ये अवेलेबल है SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स DB के अंदर, एंड टेबल का नाम है कार डिटेल्स 4। तो हमने इसको क्लिक किया, और अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपको राइट साइड में इसके कॉलम्स के डिटेल्स आ रहे हैं, नेम, ईयर, सेलिंग प्राइस, किलोमीटर ड्रिवन, फ्यूएल, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन, ओनर, कलर। तो ये बेसिकली इस टेबल के डिटेल्स हैं। अगर हमें ये देखना है कि इस टेबल के अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, अगर हमें सिंपल ये देखना है कि कौन कौन से डेटा सेट अवेलेबल हैं, तो कैन वी राइट सिंपली सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार हम सिंपल कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर हम सिलेक्ट स्टार करते हैं तो स्टार से बेसिकली सारे के सारे रिकॉर्ड, सारे के सारे फीचर्स हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इफ आई सिंपली राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा डीबी का नाम है इसमें, एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। सो कार डिटेल्स डिटेल्स _4। तो आप जैसे ही कार डिटेल्स 4 करेंगे तो आपको यहाँ पे सजेशन में आ रहा है कि हम पूरा को पूरा डीबी के साथ यूज कर सकते हैं। तो डीबी का नाम है SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स .cardetails4। एंड जैसे ही मैं इसमें लिमिट 100 कर देता हूं टू जस्ट सी द टॉप 100 रिकॉर्ड्स, तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो मुझे इस टेबल के बारे में एक ब्रीफ पता चल जाएगा कि इस टेबल के अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास नेम है, नेम ऑफ माई कार है, देन उसका मैन्युफैक्चर्ड ईयर है, सेलिंग प्राइस है, किलोमीटर ड्रिवन, फ्यूएल, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन, ओनर, कलर। कलर में कुछ मेरे को मिसिंग वैल्यूज भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन कार के रिलेटेड है। सेम सिमिलर टेबल जो हमने लास्ट
वीडियो में भी देखा था, इसमें भी सिमिलर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। हम कार डिटेल्स 4 का यूज करेंगे, तो आप सिंपली देख सकते हैं नेम ईयर सेलिंग प्राइस फ्यूल जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था, सिमिलर टाइप ऑफ फीचर्स हमारे पास इस टेबल में भी प्रेजेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो हमने क्विकली इस टेबल का एक ब्रीफ देख लिया जो कार डिटेल्स 4 है, इसमें सिमिलर फीचर सेट्स अवेलेबल हैं, नेम है हमारे पास, किलोमीटर ड्रिवन है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड है, सेलिंग प्राइस है, फ्यूल है, कलर है। तो ये बेसिकली कार रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है सीक्वल टेबल के अंदर। हम क्विकली देखेंगे हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। सी एग्रीगेट फंक्शन है क्या, वॉट एग्जैक्टली आर दीज एग्रीगेट फंक्शन। सो आप क्विकली देख सकते हैं एन एग्रीगेट फंक्शन इन सीक्वल returns one value after calculating multiple values. So as simple as that, जब मैं aggregation की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं aggregate कर रहा हूं। Aggregate का मतलब from higher dimension I'm coming to a lower dimension. If I have multiple different values, अगर मेरे पास ज्यादा values हैं उसको मैं कुछ arithmetic calculation करके, कुछ aggregation perform करके मैं एक single value पे आ रहा हूं। जैसे for example अगर मैं बताऊं, अगर आप quickly देखेंगे जो मेरे पास टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस हैं, काउंट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है, सम है, तो कैसे परफॉर्म होता है। अगर मेरे पास एक एक्सेल फाइल है एंड उसमें अगर मुझे पता है कि मेरे पास 100 रोज एंड 20 कॉलम्स हैं, सो इफ आई हैव टू फाइंड काउंट, सो काउंट क्या होगा, काउंट ऑफ माय रोज, कितने काउंट ऑफ रोज है 100, तो क्या मैं इन 100 रोज को इंडिविजुअली देख रहा हूं, नहीं, मैं इन सारे रोज को काउंट कर रहा हूं जो कि मुझे काउंट दे रहा है एक सिंगल वैल्यू 100, इट्स अ सिंगल वैल्यू। उसी तरीके से मिनिमम, अब मेरे पास कोई फीचर सेट है सपोज एज, एंड मुझे इस एज में ऑल्दो आई हैड 100 वैल्यूज, आउट ऑफ दिस 100 आई एम ओनली गोइंग टू टेक मिनिमम, सो मिनिमम तो एक ही होगा ना, सो आई एम गोइंग टू टेक वन मिनिमम वैल्यू। Likewise, I'm going to take one maximum value. Likewise, I can have one average value. Likewise, I can have one sum value. So, इस तरीके से basically aggregate functions क्या कर रहा है? हमारे पास multiple different values हैं, multiple different data points हैं, and उसमें aggregate logic को perform करके ultimately I'm going to get one single value. ये practically valid है किसी भी aggregate function के लिए। अब इसमें कुछ हम ग्रुप बाय लॉजिक्स लगा सकते हैं, कुछ एग्रीगेट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, वो हम इन डिटेल समझेंगे अभी, बट इन जनरल अगर आपको मैं बताऊं तो ये सारे जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं अल्टीमेटली ऑन टॉप ऑफ मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज ये आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो अब हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे काउंट फंक्शन के बारे में। सो काउंट फंक्शन किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड किस तरीके का यूजेज होता है काउंट का, हम क्विकली बात करेंगे। सो काउंट फंक्शन एज द नेम आल्सो सजेस्ट, इट इज गोइंग टू रिटर्न द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ डेटाबेस टेबल। सो नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मैं सिंपल काउंटिंग की बात कर रहा हूं यहां पे। सो काउंट क्या कर रहा है, इट्स अ फंक्शन दैट इज गोइंग टू रिटर्न द नंबर ऑफ एंट्रीज इन माई डेटाबेस टेबल आई हैव। ओके, एंड आप इसका सिंटेक्स भी देख सकते हैं, काउंट इज अ डायरेक्ट फंक्शन, सो काउंट के साथ साथ पेरेंथीसिस में आप कॉलम का नेम पास करेंगे। तो जो भी कॉलम का आपको काउंट फाइंड आउट करना है, सपोज आई हैव टू फाइंड काउंट ऑफ माय एज, सो कितने एज के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं मेरे पास, आई एम गोइंग टू काउंट दैट। सो जो भी कॉलम का नाम है वो पेरेंथीसिस में जाएगा, और आई कैन ऑल्सो राइट काउंट ऑफ स्टार। कुछ भी समझ सकते हैं, अगर मेरे पास एक टेबल है एंड उसमें अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं, कॉलम ए बी सी डी, एंड इफ इसमें अगर 4 डिफरेंट रोज भी हैं मेरे पास, तो अगर मैं काउंट ऑफ ए करूं तो भी मुझे 4 ही मिलेगा, काउंट ऑफ बी करूं तो भी मुझे 4 ही मिलेगा, सी करूं डी करूं तभी मुझे 4 ही मिलेगा, बिकॉज सारे के सारे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स मुझे 4 ही दे रहे हैं। तो अगर मैं सिंपली इसको काउंट स्टार भी करूं तो भी मुझे 4 ही मिलेगा। तो मैं इस केस में
या तो रिस्पेक्टिवली कोई कॉलम का नाम मेंशन करूं या फिर काउंट स्टार भी मेंशन कर सकता हूं, आई गेट द सेम रिजल्ट। तो चलिए क्विकली इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सेम डेटा सेट के अंदर, सेम जो हमने टेबल की बात करी थी मोड के अंदर, उस पर अब हम परफॉर्म करेंगे काउंट स्टार। वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन दैट टेबल। सो जो टेबल है हमारा कार डिटेल्स 4, इसमें मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूं काउंट ऑफ माय रिकॉर्ड्स और काउंट ऑफ माय रोज। कितनी नंबर ऑफ रोज और कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज प्रेजेंट हैं इस टेबल के अंदर, हम क्विकली वो फिगर आउट करेंगे। तो चलिए क्विकली मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी। सो ये हमारे पास टेबल था, सो हमने क्विकली इसमें से देखा था। सो ये है हमारा SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स टेबल। हमने लिमिट 100 करके टेबल के बारे में पढ़ा था। तो अब हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज है, सो आई जस्ट नेम दिस एज से प्रॉब्लम 1, जिसमें हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं काउंट ऑफ एंट्रीज। मैं इसमें क्या लिखूंगा, सेलेक्ट काउंट स्टार एज काउंट, सो एलियाजिंग इज ऑल्सो, मैं उस कॉलम को एक नाम भी दे रहा हूं, फ्रॉम SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स एंड आई विल बी पुटिंग अप कार डिटेल्स 4 हियर। ओके, सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं काउंट स्टार कर रहा हूं एंड SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कार डिटेल्स 4 के अंदर। तो मुझे ये फिगर आउट करना है कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे पास प्रेजेंट हैं इस टेबल के अंदर। सो काउंट स्टार करके मैं निकाल सकता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो है 2501। सो सिंपल काउंट स्टार करके हमने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकाल लिया अपने टेबल के अंदर, जो कि था 2501। आप क्विकली इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही हमारे आउटपुट में प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं हमने क्या देखा, हमारे पास काउंट की वैल्यू आ गई जो कि थी 2501। सो काउंट स्टार करके हमने नंबर ऑफ एंट्रीज फिगर आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमने काउंट स्टार किया, क्या मैं कोई एक पर्टिकुलर कॉलम को भी काउंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब इस केस में मैं काउंट स्टार ना करके एक पर्टिकुलर कॉलम को पास करूंगा, जैसे कि काउंट ऑफ कलर। मैं एक काउंट ऑफ कलर करना चाहता हूं, जो कितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे कलर कॉलम के अंदर, मैं वो फिगर आउट करना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा, सिंपल इस केस में काउंट स्टार ना करके मैं काउंट ऑफ कलर करूंगा। तो क्विकली इसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो हमने लास्ट जो सॉल्व किया था वो हमने देखा था काउंट ऑफ स्टार। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, जैसे मैंने बोला आपको काउंट ऑफ एनी कॉलम या काउंट ऑफ स्टार ऑल्दो सिमिलर रिजल्ट देता है, बट इसमें एक कंडीशन ये है, अगर मेरे पास मिसिंग वैल्यूज है, जैसे कि हमने केस में देखा था कि कलर के केस में हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज मुझे दिख रहे थे, तो वो मिसिंग वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। सो काउंट स्टार एंड काउंट के बीच में ये एक माइनर डिफरेंस है। काउंट स्टार बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को बता रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या कौन सा मिसिंग है, कौन सा क्या है, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे इंटायरली टेबल में प्रेजेंट है। बट जैसे ही मैं काउंट ऑफ पर्टिकुलर कॉलम ले रहा हूं, तो उस केस में वो सिर्फ नॉन नल वैल्यूज को ही काउंट करेगा। अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो चलिए क्विकली इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूं कैसे डिफरेंस आएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही हमने काउंट स्टार इंप्लीमेंट किया था, इसको ध्यान रखेंगे, हमें आउटपुट क्या मिला था, 2501, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट इंप्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम 2, जो कि है काउंट ऑफ कलर कॉलम। सो काउंट ऑफ कलर करेंगे। सो कलर में अब मैं स्टार ना पास करके काउंट ऑफ कलर कॉलम पास करूंगा, एंड इसको मैं बोल देता हूं काउंट अंडरस्कोर कलर फ्रॉम SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कार डिटेल्स 4। एंड अभी हम इसको रन करते हैं और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ रहा है फॉर काउंट ऑफ कलर। सो आप देख सकते हैं आउटपुट में अब 2501 नहीं है, मेरे पास 1965 है। That means जो difference है 2501 and 1965 का, उतने number of missing records है मेरे पास। As simple as that। So आप quickly देख सकते हैं जो count star था वो total number of records बता रहा है, पर जैसे हमने count of name बताया वो सिर्फ non null values को ही count कर रहा है। तो एक minor difference है। इस तरीके से हम quickly ये भी figure out कर सकते हैं
कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मिसिंग रिकॉर्ड्स हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो इस तरीके से हमने क्विकली ये फिगर आउट कर लिया कि हमारे पास काउंट ऑफ नेम के केस में पर्टिकुलर कॉलम जो हमने कलर पास किया, अब यहां पे ओनली 1965 मिसिंग डेटा है। सो बेसिकली अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, 2501 माइनस 1965 का जो वैल्यू आएगा यहां पे, वो है मेरा नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज। दैट मींस दोज आर नल वैल्यूज। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे वैल्यू 536, करेक्ट। सो ये तो मैनुअल एफर्ट है, मेरे पास 2501 था पहले, 1965 है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज 536 आ गई। बट क्या हमारे पास एक डायरेक्ट तरीका भी है ये मिसिंग वैल्यूज फिगर आउट करने का? बिल्कुल है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, काउंट स्टार तो करेंगे, बट क्या मैं वेयर कंडीशन लगा सकता हूं? हमने आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट वीडियो में ये सेम चीज करी थी, जहां पे हमने नल वैल्यूज को वेयर क्लॉज लेकर के फिगर आउट किया था। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वेयर कलर इज इक्वल टू नल, अगर मैं इसको पास करता हूं, ओनली काउंट स्टार फॉर दैट केस, ओनली काउंट दोज नंबर ऑफ रिकॉर्ड वेयर कलर इज इक्वल टू नल, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वी कैन डू दैट। अब इसको हम क्विकली इंप्लीमेंट करेंगे अपने मोड के अंदर भी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें मैं बात करूंगा काउंट ऑफ नल। इसमें मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार एज काउंट ऑफ नल फ्रॉम सीक्वल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कार डिटेल्स 4, वेयर कलर इज नल। कैन सी दिस? I've just mentioned the simple logic where color is null. I have to count only those number of records. तो जैसे आप इसको रन करेंगे, अब मुझे इजिली टोटल नंबर ऑफ मिसिंग रिकॉर्ड्स पता चल जाएंगे जहां पे कलर नल है। 536 आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली वही सेम डिफरेंस था। तो इस तरीके से सेम को हम वाइस वर्सा वेज में सिंपली वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे सीक्वल ग्रुप बाई स्टेटमेंट के बारे में। सो ग्रुप बाई अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉज है हमारे सीक्वल के अंदर, जो कि हेल्प करता है ग्रुप करने में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एवर लॉजिक आई वांट टू गिव, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को ग्रुप्स में फर्दर स्मॉलर चंक्स में वो डिवाइड करता है। तो किस तरीके से करता है, क्विकली वो समझते हैं। सो आप देख सकते हैं ग्रुप बाय स्टेटमेंट, इट इज गोइंग टू ग्रुप द रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन टू समरी रोज, प्रोवाइडिंग क्लियर इंफॉर्मेशन एज पर द रो। सो सपोज अगर मैं सेम कार डिटेल की बात करूं, मेरे पास फ्यूल टाइप है पेट्रोल डीजल सीएनजी फॉर एग्जांपल। सो मैं क्या करना चाह रहा हूं, वो सारे के सारे कार्स को एक जगह करना चाहता हूं जो कि पेट्रोल ड्रिवन है, सिमिलरली डीजल ड्रिवन है, सिमिलरली सीएनजी ड्रिवन है। तो मेरे पास यहां पर 3 स्मॉलर ग्रुप्स बन गए, कार्स जो कि पेट्रोल से चल रहे हैं, अनदर कार जो कि डीजल से चल रहे हैं, एंड देन लाइकवाइज अनदर कार जो कि सीएनजी से चल रहे हैं। सो हमने सिमिलर स्मॉलर ग्रुप्स बना दिया। तो इस तरीके से डेटा सेट के अंदर डिफाइनिंग आउट द पर्टिकुलर लॉजिक, लॉजिक के अकॉर्डिंगली मैं डेटा पॉइंट्स को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करूंगा। वो कैसे होता है, दैट इज प्योरली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉजेस। सो ग्रुप बाय के थ्रू मैं स्मॉलर चंक्स में डेटा को डिवाइड करूंगा। तो चलिए क्विकली देखते हैं किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। सिंपल सिंटेक्स है। अब इसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने ग्रुप कर दिया पेट्रोल ड्रिवन कार, डीजल ड्रिवन कार, सीएनजी ड्रिवन कार। अब मैं उस पर कुछ एग्रीगेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि पेट्रोल की कितनी कार्स हैं, डीजल की कितनी कार्स हैं, सीएनजी की कितनी कार्स हैं। तो मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, जब मैंने सिंपल रन किया था सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम टेबल,
और काउंट ऑफ स्टार की जगह ना करके काउंट ऑफ फ्यूल करूं अगर फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्स आई थी जो कि कार डिटेल्स टेबल के अंदर है, दैट इज इक्वल टू 2501। बट जब मैं ग्रुप बाय करूंगा तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी की रेस्पेक्टिव काउंट्स है। पेट्रोल की सपोज 500, डीजल की सपोज 1000 एंड द रिमेनिंग सीएनजी की 1001, ये सीएनजी की कार्स है। तो मैं अब टोटल कार्स नहीं जानना चाह रहा, मैं इस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहता हूं जो कि रेस्पेक्टिव टू स्मॉलर ग्रुप्स है उसका क्या काउंट होगा। तो सिंपल आप लॉजिक वाइज भी समझ सकते हैं, सबसे पहले मुझे डेटा को एक ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल सीएनजी अकॉर्डिंग टू माय लॉजिक, एंड उसके ऊपर मैं एग्रीगेट फंक्शंस की लॉजिक को अप्लाई करूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, कॉलम नेम को सिलेक्ट किया जो कि मुझे ऑब्वियसली जिस पे परफॉर्म करना है, देन द एग्रीगेशन स्ट्रेटजीज ऑन रेस्पेक्टिव कॉलम्स फ्रॉम द टेबल इफ आई हैव अ वेयर कंडीशन, वेयर के बाद मैं ऐड करूंगा वो ग्रुप बाय का नाम, सो ग्रुप बाय फॉलोड बाय द कॉलम नेम, इस केस में मैं फ्यूल करूंगा, ग्रुप बाय फ्यूल, सो पर फ्यूल आई एम ट्राइंग टू सी द सम ऑफ और द काउंट ऑफ माई रिकॉर्ड्स। तो अगर मैं इसको सीक्वल क्वेरी में रिप्रेजेंट करूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं, सो आई विल बी राइटिंग सेलेक्ट फ्यूल कॉमा काउंट ऑफ स्टार एज काउंट फ्रॉम द सीक्वल टेबल डॉट कार्स डिटेल्स फॉर ग्रुप बाय फ्यूल, दैट्स इट। बिकॉज मेरे पास कोई वेयर क्लॉज नहीं है, यहां पर वेयर मैंडेटरी नहीं है मेरा, सो मैं सिंपल अब ग्रुप बाय करना चाह रहा हूं ऑन टॉप ऑफ माई फ्यूल, सो पर फ्यूल टाइप आई वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो एक क्विकली एग्जाम्पल भी रन कर लेते हैं। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल बेस्ड ऑन माई कार नेम, नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल बेस्ड ऑन माई कार नेम। सपोज वॉट एवर माई कार नेम इज, कार नेम ए, आई हैव वन कार अवेलेबल कार नंबर, कार नेम बी, आई हैव 10 कार्स अवेलेबल कार नंबर सी, आई हैव 25 कार्स अवेलेबल। सो डिपेंडिंग ऑन माई कार नेम आई वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल। सो ऑब्वियसली इसका मेरे पास ग्रुप बाय कॉलम का नाम क्या है, ग्रुप बाय की क्या हो गई, कार नेम। सो अकॉर्डिंग टू कार नेम आई वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, सिंपल एनफ। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, नेम एंड काउंट ऑफ नेम, सो मेरा सेलेक्ट क्लॉज में हो गया अकॉर्डिंग टू नेम एंड आई वॉन्ट टू काउंट द नेम, and from the table can you see group by name, so because name here is also my key for the group by, so jo bhi column ke accordingly aapko group by karna hai jo ki key hoga group by ka wo follow karega group by ko state group by clause ko in my query। to chaliye quickly isko mode pe bhi implement kar lete hain, let me share my screen। ye humne last problem solve kari thi mode pe, ab hamare paas next problem hai, प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें कि हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज की। इसमें मैं करूंगा सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट ऑफ नेम एज काउंट फ्रॉम सीक्वल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कार डिटेल्स फॉर ग्रुप बाय name, so per name I want to see the count of name। Let's quickly implement this। तो आउटपुट में आपको कार की नेम दिखाई देगी इन रिस्पेक्ट टू दैट ईच काउंट, सो कार मारुति सिलेरियो ZXI ऑप्शनल MT BSIV BS4 इट इज काउंट इज 1, Likewise, Mahindra Xylo E4 8S count is 1, Hyundai Elite i20 Sports plus BS4 इसकी count है 2। तो respective जितने भी मेरे पास units हैं, Mahindra Scorpio LX की 4 vehicles available है, so depending on the name of my vehicle, name of my car, उसके counts available आ गए मेरे पास यहाँ पे as it is। तो इस तरीके से हम group by करके भी count कर सकते हैं अपने data points को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आप अगर आउटपुट में भी देखेंगे एग्जैक्टली यही आउटपुट हमें दिखाई दिया था. सो रेस्पेक्टिव टू ईच नेम्स मैं बात कर रहा हूं काउंट ऑफ माय कार. सो हर नेम के अगेंस्ट में मेरे पास काउंट आ गई. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देने वाली बात है, वो है सेलेक्ट क्लॉज. अगर आप ध्यान देंगे जो हमने क्लॉज हमने जो अपना क्वेरी लिखा था हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में नेम के साथ साथ काउंट पास किया था, करेक्ट. तो जो भी आप सेलेक्ट स्टेटमेंट में दे रहे हो यहां पे जो भी कॉलम्स दे रहे हो वो एग्जैक्टली वही आपको डिस्प्ले करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जो भी आप एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हो. अगर आप उसको सेलेक्ट क्लॉज में मेंशन ही नहीं करोगे तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा. आपको एग्जांपल दिखाता हूं. अब सपोज मैं सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट ऑफ नेम ना लिख के सिर्फ सेलेक्ट काउंट ऑफ नेम लिखूं, मैं नेम ना लिखूं यहां पे, ऑल्दो मैंने ग्रुप बाय नेम किया हुआ है बट यहां पे सेलेक्ट में मैंने नेम पास नहीं किया, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं. तो आउटपुट में सिर्फ आपको काउंट ऑफ नेम दिखाई दे रहा है 1 1 2 1 1 1 2. इसका कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है. आप उसको किस तरीके से बैक ट्रैक करोगे आपको मैं क्विकली दिखाऊंगा अभी, बट इस आउटपुट का कोई लेजिटिमेट यूजफुलनेस नहीं है. आप कैसे इसको यूज करोगे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप आउटपुट में देखना चाहते हो वो आप सेलेक्ट क्वेरी के अंदर डेफिनेटली डालो. मैं आपको क्विकली ये सेम प्रॉब्लम दिखाता हूं मोड के ऊपर भी. तो अब मैं क्या करूंगा इसी मोड प्रॉब्लम में जो हमने अभी लास्ट सॉल्व किया था, मैं इस क्वेरी को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं प्रॉब्लम नंबर 5 बोल देता हूं. ये हो जाएगा प्रॉब्लम 5 ग्रुप बाय क्लॉज विदाउट प्रॉपर सेलेक्ट. ओके, अब इस केस में मैं नेम को हटा देता हूं, मुझे नेम नहीं चाहिए. अब सपोज मैंने बाय मिस्टेक नेम नहीं दिया. अब हम इसको रन करते हैं. अब आप देखेंगे यही सेम क्वेरी आपको बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट देगी. आपको इसका कोई मतलब रेलेवेंस समझ में नहीं आएगा. आपको वो कैलकुलेशन तो कर रहा है बाय डिफॉल्ट पर नेम उसने कैलकुलेट भी किया, बट क्योंकि आपने डिस्प्ले ही नहीं कराया नेम साथ साथ काउंट नेम के, तो ये आउटपुट आपको कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. तो इस तरीके से सेलेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की. जो हमारा क्लॉजेस है जैसे हमने ग्रुप बाय की बात करी तो किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्विकली इसको समझते हैं. तो जो हमने बेसिक सीक्वल क्वेरीज में एग्जीक्यूशन की बात करी थी, जो हमारे पास फ्रॉम वेयर था देन हम सेलेक्ट कर रहे थे एंड आफ्टर डूइंग सेलेक्ट ऑर्डर बाय एंड लिमिट कर रहे थे. अब क्योंकि इस केस में मेरे पास ग्रुप बाय भी आ गया है तो ऑलवेज रिमेंबर ग्रुप बाय ऑलवेज गेट्स परफॉर्म बिफोर सेलेक्ट क्लॉज. बिकॉज अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो सेलेक्ट करने के बाद तो ग्रुप बाय परफॉर्म होगा नहीं. मुझे ग्रुप बाय करने के बाद ग्रुप्स बनाने के बाद वो डेटा को सेलेक्ट करना होगा. तो जो एग्जीक्यूशन होगी वो सबसे पहले फ्रॉम होगी टेबल में. अगर कोई वेयर कंडीशन है तो वेयर कंडीशन एग्जीक्यूट होगा. Then, उसके बाद ग्रुप बाई परफॉर्म होगा, ग्रुप बाई ग्रुप्स बन जाएंगे, उसको मैं रेंडर करूंगा सेलेक्ट करूंगा एंड देन उसके बाद अगर ऑर्डर बाई और लिमिट है तो रेस्पेक्टिवली आफ्टर सेलेक्ट के बाद वो परफॉर्म होगा गाइस. तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है अलोंग विद द ग्रुप बाई क्लॉज. अब हम नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे. जैसे कि हमने बोला काउंट ऑफ नेम, तो काउंट ऑफ नेम की जगह पे क्या हम कोई और कॉलम भी पास कर सकते हैं? क्या हम काउंट ऑफ से कलर पास कर सकते हैं? मैंने क्या बोला, मुझे काउंट ऑफ नेम ही चाहिए, मुझे पर कार काउंट ऑफ नेम चाहिए. सपोज मैं बोल रहा हूं सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट ऑफ नेम फ्रॉम टेबल एंड ग्रुप बाय नेम. मैं यही करना चाहता हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं नेम के साथ साथ मुझे हर एक नेम का काउंट दे दो. तो क्या मैं इस नेम के अगेंस्ट में कोई और कॉलम भी पास कर सकता हूं? क्या मैं इसको काउंट ऑफ कलर लिख सकता हूं? क्या मैं इसको काउंट ऑफ फ्यूल लिख सकता हूं?
क्या ये मेरे को सेम रिजल्ट देगा? जो लॉजिकली हमने क्या बात करी थी, जो काउंट स्टार या फिर काउंट ऑफ एनी अदर कॉलम दो तो वो टेबल के उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे ना। टेबल में अगर मेरे पास 10 रिकॉर्ड हैं, ये 10 या मैं कॉलम ए से देखूं या कॉलम बी से देखूं या कॉलम सी से देखूं, सब में तो 10 ही रिकॉर्ड होंगे टेबल के अंदर। तो लॉजिकली तो मैं ये दे सकता हूं कोई और कॉलम का नाम, बट आपको अगर याद होगा तो वो मिसिंग वैल्यू का फंडा आ जाता है। अगर मेरे पास मिसिंग वैल्यूज हैं पर्टिकुलर दूसरे कॉलम्स में तो वो उसको नॉन नल वैल्यूज को ही काउंट करेगा। तो ये आंसर डिफर हो सकता है गाइस, है ना। हमने बात करी थी अगर मेरे पास मिसिंग वैल्यूज हैं तो अगर मैंने कोई दूसरा कॉलम दिया हुआ है यहां पे, तो उस कॉलम के जितने भी नॉन नल रिकॉर्ड्स हैं पर कैटेगरी पर ग्रुप मुझे वही काउंट दिखाई देगा। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास एक क्वेरी है, मैंने क्या किया है सेम नेम के साथ साथ मैंने मल्टीपल काउंट्स परफॉर्म किए, काउंट ऑफ नेम, काउंट ऑफ फ्यूएल, काउंट ऑफ कलर, एंड सबको मैं एक न्यू नाम दे रहा हूं, कर सकता हूं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रेस्पेक्टिव टू ईच नेम आई एम काउंटिंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स, मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट कॉलम्स, आई कैन डू दैट। एंड इस केस में मैं सेम टेबल का यूज कर रहा हूं एंड ग्रुप बाय सेम लॉजिक है नेम। चलिए क्विकली देखते हैं क्या मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है और क्या मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए क्योंकि इसको मोड में परफॉर्म करते हैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास है प्रॉब्लम नंबर 6, इसको मैं मेंशन करूंगा मल्टी एग्रीगेट ऑन ग्रुप बाय। सेलेक्ट, मैं बोल रहा हूं नेम एंड नेम के साथ साथ मैं बोल रहा हूं काउंट ऑफ नेम एंड इसको मैं बोल रहा हूं एज सीटी ऑफ नेम कॉमा। मैं और भी लिखना चाहता हूं, अब मैं बोल रहा हूं काउंट ऑफ फ्यूएल एज सीटी अंडरस्कोर फ्यूएल कॉमा, मैं बोल रहा हूं काउंट ऑफ कलर एज सीटी अंडरस्कोर कलर। ओके, अब मैं बोल रहा हूं फ्रॉम द सेम टेबल सीक्वल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कार डिटेल्स 4 एंड ग्रुप बाय नेम। सो पर नेम आई वॉन्ट टू काउंट द नेम ऑकरेंसेस, आई वॉन्ट टू काउंट द फ्यूल ऑकरेंसेस एंड आई वॉन्ट टू काउंट द कलर ऑकरेंसेस। लॉजिकली तो सारे के सारे कॉलम्स एक ही टेबल के अंदर है तो मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड तो सेम होने चाहिए, सेम टेम्स सेम टेबल है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये काउंट डिफर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन माई नॉन नल वैल्यू। सो लेट्स क्विकली चेक दिस एंड इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। सो बेसिकली हमने पर नेम फिगर आउट करने की कोशिश करी है काउंट ऑफ 3 डिफरेंट कॉलम्स, एक साथ मैं काउंट ऑफ 3 डिफरेंट कॉलम्स देख रहा हूं। तो क्या आप देख सकते हैं काउंट ऑफ कलर ये डेफिनेटली डिफर कर रहा है रेस्पेक्टिव टू माय डिफरेंट नेम्स, एंड हो सकता है कि काउंट ऑफ फ्यूल भी डिफर करे नीचे जाकर के अगर मेरे पास नॉन नल वैल्यूज हो। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर आप डिफरेंट कॉलम नेम देंगे तो आपको सेम रिजल्ट दिखाई देगा, वो उस कॉलम के नॉन नल वैल्यूज पर कैटेगरी को ही काउंट करेगा। हमने ये सेम एग्जांपल पहले भी देखा था काउंट ऑफ स्टार एंड काउंट ऑफ कॉलम देकर के। तो सेम लॉजिक यहां पे भी एप्लीकेबल है ग्रुप बाय के केस में भी, तो वो वही वैल्यूज को काउंट करेगा जो कि नॉन नल्स हैं रेस्पेक्टिव टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। तो इससे हमने ये सिंपल एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आप देखेंगे एग्जैक्टली हमें जो आउटपुट में दिखाई दिया था रेस्पेक्टिव टू नेम, बिकॉज ग्रुप बाय की तो सेम है। सो ग्रुप बाय जो की थी मेरी विच इज नेम स्टिल द सेम, तो नेम तो मुझे सेम रो में दिखाई देगा ही देगा, इंडिविजुअल नेम जो है मुझे रोज में दिखाई दे रहे हैं। एंड रेस्पेक्टिव टू ईच नेम मैंने काउंट ऑफ नेम, काउंट ऑफ फ्यूल एंड काउंट ऑफ कलर निकाला एंड ये रिजल्ट डेफिनेटली डिफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नॉन नल। अब इसी के ऊपर एक शॉर्टर तरीका है अगर मैं इसी क्वेरी को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं आपको क्विकली बता देता हूं। अब जैसे कि मैंने बोला था नेम एंड काउंट नेम, मैंने आपको बोला था नेम एंड काउंट नेम मैंने किया ग्रुप बाय नेम करके,
इसी पे अगर मुझे इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखना है तो जो सेलेक्ट क्वेरी के अंदर जो ऑर्डर है मेरे कॉलम्स का, इसका एक लॉजिकल ऑर्डरिंग भी होता है. तो नेम मेरा हो जाएगा 1, काउंट ऑफ नेम हो जाएगा 2. सो इंटरनली SQL इसको एक लॉजिकल ऑर्डर भी देता है. तो जिस भी वैल्यू को मैं सेलेक्ट के अंदर पास करता हूं सिर्फ उसी को लॉजिकल नंबरिंग मिलती है. तो जैसे कि मुझे नेम को यूज करना है तो मैं नेम की जगह पे ग्रुप बाय 1 भी कर सकता हूं, ग्रुप बाय नेम ना लिख करके ग्रुप बाय 1 भी कर सकता हूं, बिकॉज 1 मेरा फर्स्ट कॉलम है सेलेक्ट के अंदर. एंड इस नेम को मैं यहां पे भी रिप्लेस कर सकता हूं 1 से, बिकॉज 1 विल अगेन रेफर टू द लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ द कॉलम प्रेजेंट अंडर माई सेलेक्ट क्लॉज. सो हमेशा ध्यान रखेंगे तो ये जो ऑर्डरिंग है सेलेक्ट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, पेरेंट टेबल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. सेलेक्ट के अंदर जो भी मेरा फर्स्ट कॉलम होगा रेस्पेक्टिवली जो भी मुझे यूज करना है मैं उसका नंबर से भी रेफर कर सकता हूं. तो चलिए क्विकली आपको मैं सेम चीज मोड पे भी शो कर देता हूं. यहां पे अब मैं नया प्रॉब्लम लिखता हूं. सो विल बी प्रॉब्लम नंबर 6. प्रॉब्लम नंबर 7 शॉर्टर ग्रुप बाय. इसमें बोलूंगा सेलेक्ट नेम काउंट ऑफ 1 फ्रॉम SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स का डिटेल्स 4 ग्रुप बाय 1. सो मैंने नेम एंड काउंट ऑफ 1 किया फ्रॉम दिस टेबल ग्रुप बाय 1. सो इस केस में भी ये बाय डिफॉल्ट नेम को ही लेगा एज अ ग्रुप बाय क्लॉज, बिकॉज नेम मेरा फर्स्ट कॉलम है एंड अकॉर्डिंग टू ईच नेम मेरे पास काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएंगे. तो इस तरीके से इजीली हम अपने डेटा पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं. सो नेम के साथ साथ मैं अपने अकाउंट्स को पास आउट कर सकता हूं. अगर मैं डायरेक्टली चाहूं तो मैं नेम भी दे सकता था, बट इस तरीके से हम नेम एंड काउंट को विथ लॉजिकल ऑर्डर रेफरेंसिंग भी यूज कर सकते हैं गाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे काउंटिंग ऑपरेशन डन ऑन मल्टीपल डिफरेंट कॉलम्स टुगेदर. किस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर पास करके एंड सेलेक्ट में भी यूज करके काउंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. तो चलिए क्विकली देखते हैं इस प्रॉब्लम को. हमें क्या करना है, आप वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्स फॉर ईच ईयर एंड फॉर ईच फ्यूएल टाइप. सो बेसिकली ईयर एंड फ्यूएल टाइप के कॉम्बिनेशन में मुझे पेयर बनाना है. जो ग्रुपिंग बाय होगा वो ईयर एंड फ्यूएल टाइप दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा. सो 2007 डीजल, आई कुड ऑल्सो हैव 2007 पेट्रोल एंड आई कैन ऑल्सो हैव 2007 सीएनजी. देन फॉर द नेक्स्ट ईयर 2008 अगेन सेम थ्री कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, डीजल पेट्रोल सीएनजी. देन 2009 ऐसे करके मल्टीपल डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे एंड उस ग्रुप को मुझे सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काउंट. जैसे ही मैं काउंट लूंगा मैं इसके ऊपर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा. विल फिगर आउट हाउ एंड उसमें से मुझे टॉप 5 को फिगर आउट करना है. तो किस तरीके से पॉसिबल होता है गाइस, हम इसको क्लियर फिगर आउट करेंगे. तो हमने ऑलरेडी ऑर्डर बाय का फंक्शन का यूज किया हुआ है. तो काउंट करने के बाद मैं इसको ऑर्डर बाय करूंगा एंड ऑर्डर बाय के ऊपर डिसेंडिंग करके मैं लिमिट 5 करके टॉप 5 को सिलेक्ट कर सकता हूं. लेट्स क्विकली चेक इट आउट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. तो अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ग्रुप बाय करना है ईयर एंड फ्यूल के बेसिस पे एंड इसी को मैंने सेलेक्ट भी किया हुआ है, सेलेक्ट ईयर एंड फ्यूल और मैंने काउंट ऑफ फ्यूल कर दिया यहां पे, काउंट ऑफ नंबर ऑफ कार्स बेस्ड ऑन द फ्यूल टाइप एज नंबर ऑफ कार्स एंड फ्रॉम द टेबल ग्रुप बाय जो मेरा क्लॉज है ईयर एंड फ्यूल के हिसाब से है एंड इस पे मैं अब जो कोई मैंने यहां पे काउंट किया है नंबर ऑफ कार्स मुझे क्या करना है टॉप 5 कैटेगरीज निकालनी है बेस्ड ऑन माय नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ कार. करेक्ट, मैंने नंबर ऑफ कार्स निकाल लिया. अब मैं इसी नंबर ऑफ कार्स को यूज करूंगा ऑर्डर बाय के अंदर डिसेंडिंग. सो हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट कर दिया एंड इसके ऊपर मैं लिमिट 5 कर सकता हूं. तो लिमिट 5 करके मैंने ओनली टॉप 5 को फिगर आउट कर लिया.
सॉर्ट करूंगा सबसे पहले डिसेंडिंग में एंड लिमिट फाइव करके टॉप फाइव निकाल सकता हूं। तो चलिए क्विकली इसको एग्जीक्यूट करता हूं मोड पे भी, शेयरिंग माय स्क्रीन। सो ये हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो अब हम क्विकली इस पे एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, विच विल बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेव एट, प्रॉब्लम एट जो कि होगा आपका मल्टी ग्रुप वाई, राइट। सो मैं बोल रहा हूं सेलेक्ट नेम फ्यूएल एंड काउंट ऑफ फ्यूएल एज काउंट ऑफ कार्स फ्रॉम सीक्वल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स फोर, एंड इसमें मैं बोल रहा हूं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय होगा बोथ ऑफ दिस कॉलम नेम कॉमा फ्यूएल, दोनों का कॉम्बिनेशन है मेरे पास। एंड इसमें मैं बोल रहा हूं मुझे चाहिए ऑर्डर बाय, सो ऑर्डर बाय काउंट ऑफ कार्स करूंगा एंड इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है मुझे, एंड देन मैं लिमिट ऑफ फाइव कर दूंगा। सो बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या परफॉर्म किया, मैं इसको ग्रुप बाय नेम फ्यूल करने के बाद जैसे ग्रुप बाय करूंगा जो मैंने एग्रीगेशन किया था काउंट ऑफ कार्स पे, मैंने उस पर ऑर्डर बाय लगा दिया डिसेंडिंग एंड लिमिट फाइव। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप क्विकली देखेंगे जो मेरे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस निकल के आई थी नेम एंड फ्यूल की, इसके हिसाब से मेरे पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्स आ रहे हैं वो हमें इक्वली पता चल जाएंगे। सो ये हमारे पास टॉप फाइव डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसपे हमारे पास डिपेंडिंग ऑन नेम फ्यूएल, ओके मैंने आई थिंक इसमें ईयर मिस कर दिया है, सो नेम ईयर, नेम अकॉर्डिंगली नहीं करना है मुझे, मुझे ईयर के अकॉर्डिंगली करना है। सो ईयर एंड फ्यूएल के हिसाब से मुझे इसमें फिगर आउट करना है, सो आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। सो पर ईयर पर फ्यूएल मुझे काउंट निकालना है, ओके यस सॉरी माय मिस्टेक, इसको एक बार क्विकली वापस रन कर देते हैं। सो जो भी आप ग्रुप बाय क्लॉज देंगे गाइस उसके हिसाब से वो आपको रन करेगा, एक बार क्विकली चेक करते हैं, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसमें फ्यूएल को ओके माय बैड, ओके अब आप क्विकली समझेंगे मैंने यहां पे क्या पास किया, मैं ईयर और फ्यूएल को यूज कर रहा हूं अब, बट मैं इसमें नेम को भी पास कर रहा हूं, राइट। सो मेरे पास ये नेम का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मैंने नेम तो यहाँ ग्रुप बाय में पास ही नहीं किया हुआ है, तो जब मैं ग्रुप बाय में पास नहीं करूंगा तो नेम को मैं एज इट इज तो यूज कर नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ एग्रीगेट करना पड़ेगा, तो पासिंग नेम इज अ रॉन्ग थिंग हियर, वी हैव टू रिमूव दिस नेम फ्रॉम हियर बिकॉज ये नेम हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज में प्रेजेंट नहीं है, और अगर वो ग्रुप बाय क्लॉज में प्रेजेंट नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ एग्रीगेशन करना पड़ेगा मुझे, उसके बारे में भी हम समझेंगे, बट अभी इस केस में क्योंकि मैं ईयर और फ्यूएल को यूज करना चाह रहा हूं, अब ईयर और फ्यूएल के अंदर मैं काउंट ऑफ फ्यूएल करना चाहता हूं, दिस इज कंप्लीटली वैलिड, अभी मैं इसको यूज करता हूं, तो पर ईयर पर फ्यूएल मुझे नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ कार्स मिल जाएगा टॉप फाइव। तो आप देखेंगे 2012 डीजल 133 कार्स, 2017 डीजल 130 कार्स, रेस्पेक्टिवली पर ईयर पर फ्यूएल टाइप कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे टॉप फाइव सच कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम मल्टी वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्विकली क्या समझा, इस एक्सरसाइज से हमने फिगर आउट कर लिया टॉप फाइव कैटेगरीज जहां पे कॉम्बिनेशन है ईयर एंड फ्यूएल का, उसके हिसाब से जो टॉप फाइव कैटेगरीज है 133, 130, 126 हमें बाय डिफॉल्ट अपने रिसर्च सेट में मिल गए। अब आपको अगर याद होगा शॉर्टर वे कैसे हो सकता है, मैं इसका लॉजिकल ऑर्डरिंग भी यूज कर सकता हूं, लॉजिकल ऑर्डरिंग ये पॉसिबल है, राइट। लॉजिकल ऑर्डरिंग क्या होता है, जो भी कॉलम को मैं पास कर रहा हूं उसका ऑर्डर, मुझे ग्रुप बाय करना था ईयर ऑन फ्यूएल के हिसाब से, तो ग्रुप बाय मैंने 1, 2 किया बिकॉज ईयर नाउ बिकम्स 1, फ्यूएल बिकम्स 2, एंड मैंने काउंट ऑफ फ्यूएल किया था, सो काउंट ऑफ 2 भी लिख सकता हूं बिकॉज फ्यूएल का काउंट है 2। सो लॉजिकल ऑर्डरिंग के हिसाब से मैं इसको शॉर्टर वे में भी लिख सकता हूं गाइस, आप इसको रन करेंगे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, नाउ यूजिंग द काउंट ऑन फिल्टर्ड डेटा। काउंट को ऑन फिल्टर्ड डेटा हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फिल्टरिंग का मतलब क्या हुआ, एज सिंपल एज दैट, वेयर क्लॉज,
सो अब काउंट ऑन टॉप ऑफ वेयर क्लॉज किस तरीके से हम यूज करेंगे, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस. सो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी कैन यूज द सेम प्रीवियस एग्जाम्पल, बट वी वॉन्ट टू काउंट फॉर ओनली एक्सपेंसिव कार्स. So let us define the expensive cars where value is more than 10 lakh or selling price is more than equal to 10 lakh. So now on top of these expensive cars, I need to find the top 5 such expensive cars, count of such expensive cars based on year and fuel type. So same question hai, same problem statement hai, but ek where condition hai, ek filter clause hai. Mujhe ईयर और फ्यूल टाइप ही पता करने हैं, बट ओनली फॉर दोस कार्स विच आर एक्सपेंसिव. सो एक सिंपल फिल्टर क्लॉज आ जाएगा. तो किस तरीके से यूज करेंगे इसको, यहां पे आप देख सकते हैं. तो सेलेक्ट में ईयर फ्यूल सेम तरीके से ही यूज हो रहा है, फ्रॉम सेम तरीके से ही यूज हो रहा है, बट बिफोर ग्रुप बाय मेरे पास एक वेयर क्लॉज आ जाएगा. अगर आपको एग्जीक्यूशन याद होगा, सो फ्रॉम के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं वेयर क्लॉज की. सो वेयर क्लॉज जब आएगा तो सबसे पहले वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होगा, एंड देन इसके बाद सेलेक्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड देन इसके बाद अपना ऑर्डर बाय एंड लिमिट जैसे भी है वो एग्जीक्यूट होगा. तो ये वेयर क्लॉज ग्रुप बाय से पहले हमें एग्जीक्यूट करानी है. सो ओनली वैलिड फॉर दोस सच कार्स. तो हमने यहाँ पे वेयर सेलिंग प्राइस इज मोर देन 10 लाख डाल दिया. ग्रुप बाय सेम ईयर फ्यूल है, ऑर्डर बाय लिमिट सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीक्वेंस के हिसाब से मैंने यहां पे वेयर डाल दिया जस्ट बिफोर ग्रुप बाय, बिकॉज बिफोर ग्रुप बाय दिस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड. सो इस तरीके से हम क्विकली आउटपुट देख सकते हैं. हम एक्सपेक्ट करेंगे आउटपुट ओनली फॉर दोस विच आर एक्सपेंसिव कार्स. एक्सपेक्टेड आउटपुट है ईयर फ्यूल एंड रेस्पेक्टिव कार्स लाइक दिस. इसको हम क्विकली मोड पे भी एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं गाइस. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, प्रॉब्लम नंबर 8 मोड के ऊपर. अब हम इसको करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 जहां पर है मेरे पास मल्टी ग्रुप विद वेयर क्लॉज. ओके, सो मैं इस पे एग्जीक्यूट कर देता हूं विद वेयर क्लॉज. सो अब मैं बात कर रहा हूं सेम क्वेश्चन की. सेलेक्ट ईयर कॉमा फ्यूएल कॉमा काउंट ऑफ फ्यूएल एज काउंट ऑफ कार्स फ्रॉम सीक्वल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कार डिटेल्स 4. अब मैं बोल रहा हूं वेयर सेलिंग प्राइस selling underscore price is more than equal to 10 lakh and main bol raha hu group by year and fuel ordered by count of cars descending and ispe main bolunga limit of 5. So same हमारा क्वेरी है, बट इसमें जस्ट मैंने एक वेयर क्लॉज लगा दिया. सो ग्रुप बाय से पहले आई वांट टू फिल्टर आउट ओनली दोज रिकॉर्ड्स जो कि एक्सपेंसिव कार्स हैं. एंड एक्सपेंसिव कार की डेफिनेशन हमने डाली जिसका कि सेलिंग प्राइस मोर देन इक्वल टू 10 लाख है. तो अब हम देखेंगे ओनली वैलिड इंफॉर्मेशन फॉर दोज कार्स विच आर एक्सपेंसिव. तो अब देख सकते हैं 2018 डीजल मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स 39, 2017 डीजल सेकेंड मैक्सिमम 37. सो लाइकवाइज ईयर एंड फ्यूल के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ओनली फॉर एक्सपेंसिव कार्स मेरे पास नंबर ऑफ काउंट ऑफ कार्स आ जाएंगे. तो इस तरीके से इसको हम क्विकली सॉल्व भी कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो क्विकली अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यही आउटपुट हमारे पास आया जहां के हमारे पास बोल रहे हैं नंबर ऑफ ईयर फ्यूएल. सो ईयर एंड फ्यूएल के साथ साथ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्स की कॉम्बिनेशन आ गई गाइस. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फाइंडिंग द यूनिक काउंट्स. अब मैं यूनिक काउंट्स की बात कर रहा हूं. सो वन ऑफ द इश्यू दैट यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ टाइम्स इज फाइंडिंग द काउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज. सो मैं आपको याद होगा हमने डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज किया था फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यूज फिगर आउट करने के लिए. अब मुझे काउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज चाहिए. सो मेरे पास कितने यूनिक वैल्यूज हैं उसको काउंट करना है. सबसे पहले मुझे यूनिक वैल्यूज को फिगर आउट करना पड़ेगा
एंड उन यूनिक वैल्यूज के ऊपर मैं काउंट करना चाहता हूं. लेट्स क्विकली सी कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक कार्ड्स. मुझे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे ये फिगर आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिक कार्ड्स हैं मेरे पास. अगर मेरे पास टोटल 2000 रिकॉर्ड्स थे, 2000 कार्ड्स हैं, सो आउट ऑफ दैट मे बी ओनली 100 यूनिक कार्ड्स होंगे, कुछ कार्ड्स रिपीटेड होंगे. तो मुझे काउंट ऑफ यूनिक कार्ड्स पता करने, तो वो कैसे करेंगे. सो फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक कार्ड्स एज वेल एज द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर ईच फ्यूअल कैटेगरी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूनिक काउंट. मैं ये भी पता कर सकता हूं. नाउ ऑन टॉप ऑफ दिस यूनिक काउंट्स, उसको मैं फर्दर सेग्रीगेट कर सकता हूं, फर्दर ग्रुपिंग कर सकता हूं बेस्ड ऑन फ्यूल टाइप, एंड उस पर मैं फिगर आउट कर सकता हूं नंबर ऑफ यूनिक काउंट्स बेस्ड ऑन द फ्यूल टाइप. लेट्स क्विकली सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. तो सबसे पहले मैं डिस्टिंक्ट ऑफ नेम करूंगा. आप देख सकते हैं मुझे सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट फंक्शन रन करना पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ माय नेम. तो डिस्टिंक्ट ऑफ नेम करते ही मुझे यूनिक वैल्यूज मिलेगी और उस यूनिक को मैं अल्टीमेटली काउंट करना चाहता हूं. सो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझेंगे गाइस. सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर था डिस्टिंक्ट ऑफ नेम वो एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद जो बाहर में काउंट था फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा है ऑन टॉप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ नेम. एंड इसको हमने नाम दिया यूनिक कार्ड्स. एंड देन मैं बोल रहा हूं काउंट ऑफ नेम एज वेल एज टोटल कार्ड्स. मैं ग्रुप बाय फ्यूअल कर रहा हूं, फ्यूअल के हिसाब से कितने नंबर ऑफ यूनिक कार्ड्स हैं एंड कितने नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स हैं, मैं दोनों फिगर आउट करना चाहता हूं. टोटली पॉसिबल. एंड इसको मैं ऑर्डर बाय करना चाहता हूं नंबर ऑफ यूनिक कार्ड्स के हिसाब से, 100% पॉसिबल. तो मैंने क्या किया, पर फ्यूअल टाइप विच इज डीजल पेट्रोल सीएनजी एंड व्हाट नॉट, उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल कितने यूनिक कार्ड्स हैं एंड ऑल्सो टोटल कितने कार्ड्स हैं, एंड देन हमने सॉर्ट कर लिया यूनिक कार्ड्स के काउंट के हिसाब से डिसेंडिंग. चलिए क्विकली इसको मोड पे भी इंप्लीमेंट करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. सो ये लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था मोड पे, अब मैं इसी के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं विच इज प्रॉब्लम 10. एंड ये है मेरा फिट. सो ग्रुप बाय ऑन यूनिक. ओके सो अब मैं बोल रहा हूं सेलेक्ट फ्यूएल कॉमा काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ माय नेम. ओके एज यूनिक कार्ड्स. एंड मैं बोल रहा हूं काउंट ऑफ नेम एज वेल. सो इंस्टेड ऑफ यूनिक आई ऑल्सो डू काउंट ऑफ नेम एज माय टोटल कार्ड्स. करेक्ट. सो फ्रॉम SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कार्ड डिटेल्स 4 एंड देन आई एम गोना डू अ ग्रुप बाय बेस्ड ऑन फ्यूअल एंड ऑल्सो आई एम गोना डू एन ऑर्डर बाय बेस्ड ऑन so unique cars, unique underscore cars descending. Okay, let's quickly see this. So मैंने क्या किया, per fuel type मैंने number of unique cars निकाला, number of total cars निकाला, and then finally इसको unique cars के हिसाब से sort कर दिया. तो आप देख सकते हैं डीजल में सबसे ज्यादा यूनिक कार्स हैं 772, ऑल्दो यूनिक 772 हैं बट टोटल नंबर ऑफ कार्स हैं 1273. पेट्रोल के अंदर यूनिक कार्स हैं 682, टोटल कार्स हैं 1176. सीएनजी में 22, टोटल हैं 33. एलपीजी में 14, टोटल हैं 18. इलेक्ट्रिक में सिर्फ एक ही गाड़ी है मेरे पास जो कि मेरे पास अवेलेबल है. तो इस तरीके से गाइस डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल टाइप मैं यूनिक कार्स एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ कार्स एक साथ कैलकुलेट कर सकता हूं. बट यूनिक कार्स के लिए डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हमें, बिकॉज डिस्टिंक्ट के साथ ही मैं इंडिविजुअल यूनिक वैल्यूज की बात कर रहा हूं, जो कि मेरे पास ये फिगर आउट कराता है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर आप क्विकली देखेंगे तो यही रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था. तो अब ये हमारे पास रिजल्ट में भी देख सकते हैं. सो फ्यूअल टाइप मेरे पास डीजल पेट्रोल सीएनजी एलपीजी एंड इलेक्ट्रिक है, एंड इस पे मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिक कार्स एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ कार्स भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं. तो डीजल के अगेंस्ट में मेरे पास ये वैल्यूज हैं 772 एंड 1273. लाइकवाइज तिल इलेक्ट्रिक 1 एंड 1 जो हमने आउटपुट में क्विकली देखा भी.
तो इस तरीके से गाइस हमने अपना बेसिक प्रॉब्लम जो कि फ्यूल के अगेंस्ट में ग्रुप बाय एंड काउंटिंग ऑफ माय डिस्टिंक्ट भी सॉल्व कर लिया। डिस्टिंक्ट के केस में, यूनिक वैल्यूज के केस में यह हमेशा ध्यान रखना है हमें कि डिस्टिंक्ट को पहले निकालना है देन काउंट करना है। अगर आप डिस्टिंक्ट काउंट कर देंगे तो गलत। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर डिस्टिंक्ट को कॉल करूंगा विच इज गिविंग मी द डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड ऑन टॉप ऑफ दिस डिस्टिंक्ट वैल्यूज देन मैं काउंट फंक्शन का यूज कर रहा हूं गिविंग मी द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट। एज सिंपल एज दैट। सो इसके साथ आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए देखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फिल्ट्रेशन ऑन द एग्रीगेट्स एज वेल। सो ग्रुप बाय के साथ साथ आपको याद होगा हमने ग्रुप बाय एक एग्रीगेशन परफॉर्म किया काउंट ऑफ रोज फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसको इस एग्रीगेट को भी फिल्टर करना चाहता हूं तो इसको मैं यूज करूंगा हैविंग क्लॉज के साथ। सो हैविंग क्लॉज बेसिकली आपको हेल्प करता है टू डू एनी फिल्ट्रेशन जॉब ऑन टॉप ऑफ द एग्रीगेटेड वैल्यूज आफ्टर ग्रुप बाय। क्विकली समझते हैं। सो वी ऑलरेडी नो दैट हाउ टू फिल्टर आवर डेटा यूजिंग द वेयर क्लॉज। अगर हमें ये फिगर आउट करना है इफ only for the expensive cars, we just used where clause, where selling price was more than equal to 110 lakh, we did that. अब मैं बोल रहा हूं कि मैं simple where clause की बात नहीं कर रहा, मैं simple filtration की बात नहीं कर रहा। अब मैंने ये figure out किया कि मेरे पास per fuel type count of cars, so diesel 100 cars है, petrol 150 cars है, then मैं CNG बोल रहा हूं for example 50 कार्स हैं। अब इन एग्रीगेटेड वैल्यूज के ऊपर भी मैं एक फिल्टर रन करना चाहता हूं टू फाइंड ओनली दोज फ्यूअल टाइप्स जहां पे नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो मोर देन 80 है। सो इस केस में आप देखेंगे ये रूल्ड आउट हो जाएगा। तो मुझे फाइनल आउटपुट में सिर्फ डीजल 100 एंड पेट्रोल 150 दिखाई देगा, सीएनजी नहीं दिखाई देगा। सो एनी फिल्टर्स विच इज सपोज टू बी रन ऑन टॉप ऑफ द एग्रीगेटेड वैल्यूज उसको हम यूज करेंगे हैविंग क्लॉज के साथ। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर्स है जो कि एग्रीगेशन के बाद परफॉर्म हो रहा है, नॉट बिफोर एग्रीगेशन, है ना। तो इस केस में ऑब्वियसली मेरे पास एग्रीगेटेड डेटा भी है और इस एग्रीगेटेड डेटा में अगर मुझे फिल्टर करना है दैट इज डन यूजिंग द हैविंग क्लॉज। तो क्विकली इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो हमारे पास कॉलम नेम्स है एंड हमने एग्रीगेशन परफॉर्म किया ऑन रिस्पेक्टिव कॉलम्स, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। फ्रॉम वेयर एज इट इज है हमने ग्रुप बाय यूज किया कॉलम नेम को एंड ग्रुप बाय के बाद मेरा आएगा ये हैविंग कंडीशन। सो जो भी कंडीशन हो या फिर काउंट ऑफ से कार्स शुड बी मोर देन 80 जो मैंने बोला आपको, सो ये आएगा हैविंग के अंदर। सो हैविंग काउंट ऑफ कार्स मोर देन 80 मुझे ये सिंटेक्स में मेंशन करना पड़ेगा। सो अभी क्विकली इसको देखते हैं। सो वी नो दैट देयर आर मोर देन वन कार विद द सेम नेम, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर मल्टीपल कार्स विद द सेम नेम। सो हाउएवर फॉर आवर केस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द कार्स आफ्टर द ईयर 2015। सो कार्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर द ईयर 2015, सो ये तो हमारा सिंपल फिल्टर है, सिंपल फिल्टर ऑन ओरिजिनल डेटा, बिकॉज ये तो ईयर कॉलम जो आपके पास है ये तो ओरिजिनल डेटा में प्रेजेंट है। तो आई कैन राइट वेयर ईयर इज मोर देन 2015, दैट इज कंप्लीटली वैलिड। बट वी नीड टू फाइंड द नेम्स ऑफ कार्स आफ्टर 2015 वेयर दे आर मोर देन वन कार विद द सेम नेम। सो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे नेम के साथ साथ काउंट ऑफ नेम भी करना है ग्रुप बाय ऑन नेम, बट आई ओनली वॉन्ट टू सी दोज नेम्स वेयर काउंट ऑफ नेम इज मोर देन वन। सो वेयर देन विल गिव ग्रुप बाय विच इज गोइंग टू बी नेम एंड देन एट द एंड वी शैल बी गिविंग हैविंग काउंट ऑफ नेम शुड बी मोर देन वन। बिकॉज अब इस पर्टिकुलर ग्रुप बाय के अंदर जो मैं ग्रुप बाय किया फॉर रिस्पेक्टिव टू नेम्स, जो मेरे पास रिस्पेक्टिव स्मॉलर चंक ऑफ डेटा फ्रेम आया, उस एग्रीगेट वैल्यू के ऊपर ही मुझे ये फिल्टर परफॉर्म करना है जो कि काउंट ऑफ नेम मोर देन वन देना चाहिए मुझे।
तो क्विकली इसका सिंटेक्स समझते हैं। तुम्हारा अप्रोच क्या है? सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओनली इंटरेस्टेड हूं कॉर्स मोर देन 2015। सो हमारा ये तो सिंपल वेयर क्लॉज के अंदर चला जाएगा बिकॉज दिस ईयर कॉलम इज प्रेजेंट इन माई ओरिजिनल डेटा सेट। इसका सिंपल ट्रिक यही है कौन सा कॉलम वेयर में जाएगा, कौन सा कॉलम हैविंग में जाएगा। सो अगर मेरा जो फिल्टर का लॉजिक है ऑन पर्टिकुलर कॉलम सेट एंड दैट कॉलम इफ प्रेजेंट इन माई ओरिजिनल डेटा एज इट इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर तो मेरे पास एज इट इज प्रेजेंट है, दैट विल गो अंडर वेयर क्लॉज। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और एनीथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन माई ओरिजिनल डेटा सेट दैट विल गो अंडर हैविंग क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार्स जिसका कि काउंट मोर देन वन है। क्या हमारे पास काउंट ऑफ कार्स प्रेजेंट है ओरिजिनल डेटा में? नो, मेरे पास कार्स है, मेरे पास नेम ऑफ कार्स है बट काउंट ऑफ कार्स मेरे पास ओरिजिनल डेटा में प्रेजेंट नहीं है। तो एनी फिल्टर विच हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ न्यू कॉलम विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन माय ओरिजिनल डेटा सेट दैट विल गो अंडर having, always remember that. So इस केस में हमें again aggregated data पे filter perform करना है where number of cars is more than one using the having clause. इसका straightforward query अगर मैं लिखना चाहूँ तो name, count of name जो कि मेरा name of count मैंने define कर दिया from this table and where हमने लिखा year more than 2015 only for those cars more than 2015 ग्रुप बाई नेम कर लिया एंड इसके बाद मैं बोलूंगा हैविंग काउंट ऑफ नेम शुड बी मोर देन वन ऑन एग्रीगेटेड डेटा फिल्टर, राइट। एंड देन लास्ट में मैं ऑर्डर बाई भी कर सकता हूं, ना भी करूं तो चलेगा बट ऑर्डर बाई भी कर सकता हूं, दैट इज सब्जेक्टिव। सो इस केस में हमने क्या किया, फाइनली एक फिल्टर लॉजिक लिखा जो कि हैपनिंग ऑन टॉप ऑफ माई डेटा सेट हमारे पास ओनली फॉर दोज डेटा पॉइंट जिसका की वैल्यू After execution, after group by भी filter करना चाहता हूं। तो चलिए quickly इसको mode पे explain करते हैं, mode पे solve करते हैं। Okay, so अब है हमारे पास problem number 11 जो कि है having clause। Okay, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को respective to each name चाहिए, so मैं fuel नहीं चाहिए, मुझे name चाहिए, name of then count of name as count of cars from SQL for business analytics for where year is more than 2015 and मैं बोल रहा हूँ group by name and इस पे मुझे चाहिए having count of name is more than one and इस पे मैं order by कर सकता हूँ order by count of cars descending। So quickly इसको perform कर देते हैं। So, मैंने वेयर फिल्टर क्लॉज यूज करके सिर्फ वो रिकॉर्ड जिसका कि ईयर मोर देन 2015 है उसको फिगर आउट कर लिया एंड आफ्टर डूइंग द एग्रीगेशन ऑन दिस वेयर क्लॉज मैंने काउंट ऑफ वन कर लिया, बेसिकली काउंट ऑफ नेम मोर देन वन जिसका कि नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ यूनिक कार्स मोर देन वन, काउंट ऑफ कार्स मोर देन वन है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड निकल करके आगे जो कि ईयर मैन्युफैक्चर 2015 से ज्यादा है एंड जिसका कि मोर देन वन नंबर ऑफ कार्स भी प्रेजेंट है फॉर एवरी कार नेम। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे मैं यही आउटपुट भी एक्सपेक्ट कर रहा था। तो रेस्पेक्टिव टू ईच नेम्स मेरे पास नेम ऑफ काउंट्स आ गया एंड दीज आर द रिकॉर्ड्स विच आर मोर देन 2015 ऑफ ईयर एंड आफ्टर एग्रीगेशन ऑल ऑफ दिस शुड बी मोर देन वन ऑल्सो। सो एटलीस्ट वो कार जिसका कि नंबर ऑफ काउंट मोर देन वन है। तो अगर मैं क्विकली एग्जीक्यूशन भी समझूं तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली ये तो हमारे पास पहले से था फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय एंड इमीडिएटली आफ्टर ग्रुप बाय मैं हैविंग को परफॉर्म करूंगा एंड हैविंग के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा फाइनली माय रेंडर्ड आउटपुट एंड इफ आई हैव एनीथिंग जिसके ऊपर मैं ऑर्डर बाय लिमिट परफॉर्म करूंगा गाइस। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन जो कि है मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो किस तरीके से हम मिनिमम एंड मैक्सिमम को यूज कर सकते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट मिनिमम फंक्शन इट इज गोइंग टू रिटर्न द लोएस्ट वैल्यू और द मिनिमम इन द सेट ऑफ नॉन नल वैल्यूज। लाइकवाइज मैक्सिमम इट इज गोइंग टू रिटर्न द हाइएस्ट वैल्यू और द मैक्सिमम इन द नॉन नल वैल्यूज। सिंटेक्स
min function call karenge on top of my any column. So column name respectively maximum max function call karenge on top of any of my column name. So any of this minimum or maximum can be called on top of the column names, which will eventually give me the data sets. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो चलिए क्विकली देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल ऑन मिनिमम मैक्सिमम. सो हमें फिगर आउट करना है प्राइस फॉर द मोस्ट अफोर्डेबल कार एंड प्राइस फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव कार. सिंपली मिनिमम एंड मैक्सिमम फिगर आउट करना है बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस. करेक्ट. सो बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस मुझे फिगर आउट करना है जो मेरी मिनिमम और द मैक्सिमम प्राइस हो. सो मैंने क्या किया, मिनिमम ऑफ सेलिंग प्राइस as min price and maximum of selling price as max price. We can simply do it. बहुत ही सिंपल है. मैं मिनिमम एंड द मैक्सिमम प्राइस निकाल सकता हूं मेरे ओवरऑल डेटा सेट से. जस्ट क्विकली फिगर आउट कैसे करेंगे. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. सो ये हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, प्रॉब्लम नंबर 11 हैविंग क्लॉज के साथ. अब मैं सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम नंबर 12 जो कि होगा ऑन मिन एंड मैक्स. तो मैं सिंपली टाइप करूंगा सेलेक्ट मिन ऑफ सेलिंग प्राइस as min price, comma max of selling price as max underscore price from SQL for Business Analytics 4. That's it. So I'm going to find out the minimum and the maximum price. Let's quickly see this and run this. So we have the minimum and the maximum selling price for each of my respective details. So अब आप देख सकते हैं मेरे पास minimum price है 20,000 and maximum price है 89 lakhs. So likewise, मैं quickly figure out कर सकता हूँ for any different data sets, any different points, minimum maximum function का directly use करके. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ next interesting problems. So हमने quickly minimum and the maximum figure out कर लिया. अब next question solve करते हैं. हमें figure out करना है maximum and the minimum price for each year. Definitely group by का logic है यहाँ पे. So group by based on year and also for all non-diesel cars. Make sure that the fuel type is not in diesel. Correct? दो filter clause है यहाँ पे, मतलब filter clause है हमारे पास non-diesel cars का and group by करना है based on each year. So, मैं मिनिमम मैक्सिमम एज इट इज निकालूंगा फ्रॉम करूंगा एंड कैन यू सी दिस वेयर, बिकॉज हमारे पास फ्यूल जो है ओरिजिनल कॉलम पे जो मैं फिल्टर करना है प्रेजेंट इन माय ओरिजिनल डेटा. सो ये सिंपल वेयर क्लॉज के अंदर जाएगा. सो वेयर क्लॉज में फ्यूल नॉट इन डीजल ग्रुप बाय ईयर एंड मैं ऑर्डर बाय कर सकता हूं, नॉट मैंडेटरी बट कैन बी डन. दिस क्विकली इंप्लीमेंट दिस ऑन मोड एज वेल. सिंपल क्वेश्चन. सो इस केस में आपको याद होगा हमने लास्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करी विद द मिनिमम मैक्सिमम. अब मैं सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम नंबर 13 व्हिच इज गोइंग टू बी. सो मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए सेलेक्ट रिस्पेक्टिव टू ईच ईयर मुझे फिगर आउट करना है. सो आई एम गोना टेक ईयर फर्स्ट एंड देन आई एम गोना टेक मिनिमम ऑफ सेलिंग प्राइस एज मिन प्राइस comma max of selling price as max price from SQL for Business Analytics car details 4, and I'll be doing where fuel not in diesel and I'll be putting group by here. So you can see this. So we have done it. Let's run it out. So I'm gonna quickly find out per year what is the minimum price. Spelling mistake of diesel. Let's quickly run this. So per year I'm going to check the minimum and the maximum selling price. Okay, looks like it's not captured. Small d. So it should be like this. Giving me some error, so should be. Let me check that is right, folks.
Okay. That's surprising. So where not in एक बार तो कट करेंगे क्यों नहीं आ रहा है चलना तो चाहिए तो चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम मोड पे भी सॉल्व कर लेते हैं मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो लास्ट प्रॉब्लम जो हमने प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व किया था मिन मैक्स अब हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 13 जो कि है मिन मैक्स विथ वेयर क्लॉज ठीक है सो इसमें हमने फिगर आउट करना है कि हमारे पास कितने मिनिमम एंड मैक्सिमम है जहां पे फ्यूल नॉट इक्वल टू डीजल सो हम टाइप करेंगे सेलेक्ट ईयर ईयर के साथ साथ हमें चाहिए मिनिमम ऑफ माय सेलिंग प्राइस इसको हम करेंगे मिन प्राइस कॉमा मैक्सिमम ऑफ सेलिंग प्राइस इसको हम बोलेंगे मैक्स प्राइस ये हमें चाहिए सेम टेबल से इसको मैं नीचे कर देता हूँ फ्रॉम सीक्वल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स यहाँ पे मैं बोल दूंगा कार्स डिटेल्स फोर सेम टेबल है अब यहाँ पे वेयर क्लॉज है वेयर फ्यूएल इज नॉट इक्वल टू डीजल सो वेयर फ्यूएल इज नॉट इक्वल टू डीजल एंड हमारा है ग्रुप बाय ईयर सो पर ईयर हमें देखना है एंड इसको हम ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं ऑर्डर बाय ईयर डिसेंडिंग सो क्विकली चलिए इसको रन करके देखते हैं सो हमारे पास मिनिमम एंड द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस आ जाएगा वेयर फ्यूल इज नॉट इक्वल टू डीजल तो जैसे हम इसको रन करेंगे हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड जहां पे फ्यूल नॉट इक्वल टू डीजल है उनका मिनिमम एंड द मैक्सिमम हमें निकल के आ जाएगा तो 2020 में मिनिमम प्राइस है 2,40,000 एंड मैक्सिमम है 12,50,000 सो लाइकवाइज हर एक ईयर का मिनिमम एंड द मैक्सिमम प्राइस हमें लाइकवाइज मिलता चला जाएगा तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 13 चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं सो इनफैक्ट ये क्वेरी हमने एग्जीक्यूट करी और हमने आउटपुट में क्विकली देखा हमारे पास रेस्पेक्टिव टू ईच ईयर आप देख सकते हैं मतलब 2020 से लेकर के रेस्पेक्टिवली फॉर एवरी ईयर यू गोना गेट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम प्राइस लाइकवाइज नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाते हैं सो हमारे पास एक और क्वेश्चन है फाइंड द ईयर वेयर द रेंज ऑफ प्राइस रेंज मतलब डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्राइस जो हमें रेंज निकालना है वो मोर देन होना चाहिए 50 लाख तो ये सेम ईयर में जहां पर हमने अभी ग्रुप बाय ईयर करके मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस निकाला अब हमें ये फिगर आउट करना है ओनली फॉर दैट ईयर जहां पे जो डिफरेंस है मिनिमम एंड मैक्सिमम का वो मोर देन 50 लाख होना चाहिए तो देखते हैं अभी क्विकली ये समझेंगे जो हमने मिनिमम और मैक्सिमम निकाला वो तो आफ्टर ग्रुप बाय निकाला था हमने करेक्ट बिकॉज एग्रीगेट किया था हमने ग्रुप बाय पे ईयर अब हमें एक और फिल्टर क्लॉज लगाना है एक और फिल्टर क्लॉज चाहिए जहां पे अब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास ओनली फॉर दोज ईयर जहां पे डिफरेंस मोर देन 50 लाख हो तो डिफरेंस कहां पर हो रहा है आफ्टर एग्रीगेशन सो डिफरेंस जो है वो मेरा ओरिजिनल जो हमारा एग्रीगेटेड हुआ मिनिमम मैक्सिमम वो तो हमारा ओरिजिनल टेबल में है नहीं तो अगर हमें कोई वेयर क्लॉज अ काइंड ऑफ फिल्टर लगाना है ऑन टॉप ऑफ एग्रीगेटेड फीचर तो हमें पता है कि हम हैविंग का यूज करते हैं तो इस केस में जो डिफरेंस है जो हमने रेंज निकाला यहां पे एज अ न्यू कॉलम डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड द मिन अब हम उसको हैविंग क्लॉज के अंदर लेंगे हैविंग मैक्स माइनस मिन इज मोर देन 50 लाख एंड इसको ऑर्डर बाय करके हम क्विकली देख सकते हैं तो हमारे पास ये जो फिल्टर कंडीशन हुआ बेसिकली ऑन टॉप ऑफ एग्रीगेटेड फीचर्स है तो उसका ध्यान रखते हुए इसको हैविंग पे इंप्लीमेंट करेंगे तो सेम चीज मैं क्विकली मोड पे इंप्लीमेंट करता हूं अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 14 जो कि है ऑन मिन मैक्स ऑन हैविंग क्लॉज सेम अब मैं बोलूंगा सेलेक्ट ईयर कॉमा मिन ऑफ सेलिंग प्राइस एज मिन प्राइस कॉमा मैक्स ऑफ selling price as max price comma max of selling price minus min of selling price as range
फ्रॉम बोलूंगा, फ्रॉम SQL फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कार डिटेल्स फॉर ग्रुप बाय। हमारे इसमें कोई डीजल का क्लॉज नहीं है तो वेयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ग्रुप बाय ईयर हो गया मेरा, एंड मैं बोलूंगा हैविंग। अब क्योंकि हमें ये फिगर आउट करना है फिल्टर कंडीशन ऑन एग्रीगेटेड डेटा सेट, तो हैविंग में क्या है, रेंज मोर देन 50 लाख, सो मैं लिखूंगा मैक्स ऑफ सेलिंग प्राइस, मैक्स ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस मिन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये ज्यादा होना चाहिए 50 लाख से। एंड मैं इसको ऑर्डर बाय भी कर सकता हूं, ऑर्डर बाय ईयर DESE। तो क्विकली इसको रन करके देखते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक और फिल्टर क्लॉज लगाया इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिनल कॉलम, फ्यूल के ऊपर तो नहीं किया, मैंने सिंपल इसमें किया जो कि एग्रीगेटेड डेटा सेट था रेंज, जो कि हमारा टू कॉलम्स में अवेलेबल नहीं है, तो रेंज के ऊपर हमने सिंपल फिल्टर लगाया। तो आप देख सकते हैं 2017 एंड 2016 वो दो ईयर है जहां पे रेंज जो है मोर देन 50 लाख है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 14 जो हमने भी क्विकली एग्जीक्यूट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आउटपुट भी देखेंगे इसका एग्जैक्टली यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। तो हमारे पास दो ईयर्स हैं 2017 एंड 2016 जहां पे रेंज मोर देन 50 लाख। हम एक्चुअली आगे बढ़ते हुए ये भी समझेंगे कि जो मिनिमम एंड द मैक्सिमम फंक्शन है वो हम एक्चुअली स्ट्रिंग्स पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स पे भी सिंपल मिनिमम एंड मैक्सिमम एग्जीक्यूट हुआ जा सकता है। वो कैसे होता है मैं आपको क्विकली बताता हूं। अगर मैं मिनिमम ऑफ नेम और मैक्सिमम ऑफ नेम सेलेक्ट करूं फ्रॉम द टेबल, जो नेम है हमारे पास नेम ऑफ द व्हीकल, तो आप देखेंगे मिनिमम में मेरे पास जो आउटपुट आएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट वो ए से स्टार्ट हो रहा है, एंड सिमिलरली जो आप मैक्सिमम में देखेंगे वहां वी से है। सो इट काइंड ऑफ गिविंग अस दैट अंडरस्टैंडिंग, जो यहां पे मिनिमम एंड द मैक्सिमम का लॉजिक है वो अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग के ऊपर हो रहा है। सो ए पहले आया देन जी बाद में आया, तो जो मिनिमम का लॉजिक है, सो एनी नेम विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ए दैट इज गोइंग टू बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मिनिमम, तो वो लोएस्ट हो जाएगा। तो सॉर्टिंग बेसिकली हो गया हमारा ए टू जी के रेस्पेक्टिव में, वेयर ए इज द मिनिमम जी इज द मैक्सिमम। अभी मैं क्विकली ये सेम चीज आपको मोड पे भी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, अगर मुझे मिनिमम एंड द मैक्सिमम स्ट्रिंग्स पे भी रन करना है तो आप देखेंगे अगर मैं इस पे इंप्लीमेंट करूं इसको, तो मेरे पास है प्रॉब्लम नंबर 15 जो कि मैं बोल रहा हूं मिन मैक्स ऑन स्ट्रिंग्स। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट मिन ऑफ नेम एज min name comma max of name as max underscore name from SQL for business analytics 4। इसको भी रन करके देखते हैं। तो अब मेरे पास मिनिमम एंड द मैक्सिमम नेम आ जाना चाहिए जो कि होना चाहिए लॉजिक ऑफ अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग। तो जैसे हमने इसको रन किया आप देख सकते हैं मिनिमम नेम जो मेरा आउटपुट में आएगा वो शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जो हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे आउटपुट, सो बेजलर क्लासिक ए, एंड मैक्सिमम नेम वॉल्वो XC90। सो बेसिकली इट्स गिविंग अस दैट नोशन दैट द सॉर्टिंग इज प्रैक्टिकली हैपनिंग बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हियर। सो ए कम्स फर्स्ट बिकम्स द मिनिमम वन एंड वी प्रोबेबली लास्ट होगा, सो वी हैव द मैक्सिमम कमिंग एज वॉल्वो हियर। तो इस तरीके से गाइस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो स्ट्रिंग्स को अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग पे करता है, ए बिकम्स लीस्ट जी बिकम मैक्स, तो उस हिसाब से सॉर्टिंग करके मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज वो आपको देता है। तो गाइस हमने देखा कि हमने मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रिंग्स पे भी इंप्लीमेंट कर दिया, इसी का कुछ और डिफरेंट तरीके कंपैरिजन आपको मैं दिखाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्विकली ये कंपेयर करते हैं कि हमारे पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन हो कैसे रहा है। तो आप देखेंगे यहां पे स्क्रीन पे आपके पास फर्स्ट कैरेक्टर अगर सेम भी है, अगर मेरे पास किसी भी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर सपोज सेम भी है, देन इट विल क्विकली कंपेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड सो ऑन अंटिल इट्स फाइंड्स अ डिफरेंस। सो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना है स्ट्रिंग्स में ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च करता है, सो पर कैरेक्टर कंपैरिजन होगा, एंड जहां पे भी ये कैरेक्टर का डिफरेंस आएगा वहां पे ये मिन मैक्स का लॉजिक लगाएगा सॉर्टिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे आप देख सकते हैं
अगर मैं सिंपल क्वेरी रन करूं मारुति एंड मराठी, तो आप देख सकते हैं मेरे पास M कॉमन है, A कॉमन है, R कॉमन है, राइट? M कॉमन है, A कॉमन है, R कॉमन है, बट हमारा डिफरेंस आता है U में एंड A में, तो U डेफिनेटली बड़ा है A से, U बाद में आता है A से, तो इस तरीके से मारुति बड़ा हुआ मराठी से, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन हुआ। और जैसे ही हमने इस क्वेरी को रन किया, आप देख सकते हैं इस कंपेयर में हमारे पास ट्रू आउटपुट में आ रहा है, बिकॉज मारुति इज बिगर देन मराठी। आपको क्विकली ये इंप्लीमेंट करके भी दिखाता हूं, सेम हमारे मोड स्क्रीन पे। तो अभी हम यहां पे रन करेंगे कंपैरिजन का लॉजिक, ये हो गया प्रॉब्लम 16, सो कंपेयर लॉजिक 1। अब देखेंगे सेलेक्ट, मैं इसमें करूंगा मारुति बिगर देन मराठी एज कंपेयर फ्रॉम SQL for business and analytics card details for, let's run this। तो आप क्विकली कंपेयर करके देखेंगे कि जो मारुति है वो डेफिनेटली बिगर देन मराठी है, वो ट्रू आएगा बिकॉज हमारे पास यू के कंपेरिजन में ए छोटा है, तो इट इज गोइंग टू बी ट्रू। एंड इसको मैं लिमिट वन कर देता हूं, तो हमारे पास एक ही आउटपुट आएगी। सो हमारे पास मारुति बड़ा हो जाएगा मराठी से, सिंपल है बिकॉज हमारे पास इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन है। तो आप देख सकते हैं क्विकली यहाँ पे वैल्यू ट्रू आएगी, बिकॉज इन दिस केस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द वैल्यू 1, राइट? सो इसको लिमिट 1 कर देते हैं, स्पेस नहीं दिया था मैंने। तो जब भी जैसे मैं मारुति को मराठी से कंपेयर किया, वो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन, एंड पर कैरेक्टर जहां पे भी डिफरेंस आएगा उस हिसाब से लॉजिक आइडेंटिफाई करेगा वी ट्रू। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। तो हमने फर्स्ट लॉजिक देखा जहां पर हमने क्विकली कंपेयर किया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मारुति एंड मराठी को। अब हमारे पास अगर लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स में भी डिफरेंस है, सो मारुति एंड मराठी तो सेम हुआ था, बट अगर हमारे पास लेंथ में डिफरेंस है, सो उस केस में भी हमारा सबसे पहले सिक्वेंशियली ही कैरेक्टर आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जी बड़ा है एक बड़े कैरेक्टर से, इसका लेंथ ऑफ कैरेक्टर 1 है, इसका लेंथ ऑफ कैरेक्टर सपोज 10 है, स्टिल Z बड़ा है बिकॉज Z का जो ऑर्डर है ये फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड इज बिगर। सो Z बड़ा है N से, ये देखते हैं ना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 लेसर है 10 से, ये लॉजिक नहीं होता है, हमेशा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है। सो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ Z इज Z एंड देन यहां पर n होता तो मेरे पास ये, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता z बड़ा होता z y x, then इस केस में this is false because हमारा z and z तो comparable है, but I have one more character here y, और यहां पर कुछ भी नहीं है, that means अब इस केस में z y x बड़ा है z से। तो हमेशा character by character comparison होता है, हम कभी भी length of character से first नहीं देखते, character by character comparison होता है। अभी मैं क्विकली आपको ये भी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं मोड पे, ये जो लास्ट हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया था, अब इसी के ऊपर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं इनफैक्ट, एंड मैं यहां पर आपको नेक्स्ट लॉजिक दिखाता हूं, प्रॉब्लम नंबर 17 जो कि हो जाएगा लॉजिक नंबर 2। एंड इस केस में मैं यहाँ पे जी मेंशन करता हूं, एंड यहाँ पे कुछ एन बी कुछ रैंडम मैसेज कर देता हूं, एंड आप इसको जब भी रन करेंगे तो आपको स्टिल Z बड़ा दिखाएगा कंपेयर टू एनी लेंथी कैरेक्टर्स एज वेल, क्योंकि हमारा Z जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो बड़ा है कंपेयर टू द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड, सो ये भी ट्रू। तो इस तरीके से हमने भी देखा लेंथ ऑफ कैरेक्टर कोई भी प्रायोरिटी नहीं होता, कैरेक्टर का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, एंड सीक्वेंस के हिसाब से जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्विकली इस लॉजिक को भी इंप्लीमेंट कर लिया। अब हमारे पास एक और आता है केसिंग, अपर केसेस एंड लोअर केसेस। अब हमारे पास कैपिटल ए है स्मॉल ए है, तो ये भी समझने वाली बात है कैपिटल केसेस अपर केसेस आर ऑलवेज बिगर देन लोअर केस, ये एक लॉजिक है जिसमें हमें ध्यान रखना है। सो अपर केस इज ऑलवेज बिगर देन द लोअर केस, तो आप देख सकते हैं इस केस में अगर मैं सेलेक्ट कैपिटल ए मोर देन स्मॉल ए करूंगा तो मुझे यहां पे ट्रू आएगा, as simple as that। So, अगर मेरा कैरेक्टर सेम है then in that case it goes for casing, and casing में हमेशा अपर केस बड़ा होता है लोअर केस से।
चलिए क्विकली आपको ये भी लॉजिक में मोड पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमने लास्ट 17 किया था, मैं इसमें एक और पेस्ट कर देता हूँ, सो प्रॉब्लम नंबर 18 कर देता हूँ उसको, एंड ये प्रॉब्लम लॉजिक कंपेयर लॉजिक 3, एंड इस केस में मैं यहाँ पे ए मेंशन करता हूँ और यहाँ पे स्मॉल ए मेंशन करता हूँ, और हम जैसे ही इसको रन करेंगे हमें स्टिल ये 2 देगा बिकॉज अपर केसेस आर ऑलवेज बिगर। तो ये हमारा ये भी ट्रू केस हो गया बिकॉज हमें पता है कि हमारा अपर केसेस भी ट्रू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लॉजिक क्विकली देखते हैं। तो हमने इस अपर केसेस एंड द लोअर केसेस को तो समझ लिया, हमारे पास ऑब्वियसली अपर केस बड़ा हो गया लोअर केस में। अगर हमारे पास साइड बाय साइड कंपैरिजन हो अपर केस ऑफ वन कैरेक्टर एंड लोअर केस ऑफ अनदर कैरेक्टर, व्हाट अबाउट कैपिटल ए एंड स्मॉल बी? सो हमें यह तो पता ही है कि ए चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो एनीवे बी से बड़ा है ना, या फिर स्मॉल ए भी बोलूं और कैपिटल बी भी बोलूं, स्टिल मेरा ए बड़ा है कंपेयर टू बी, बिकॉज सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमेशा कैरेक्टर पे होती है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी गिवन टू कैरेक्टर एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज गिवन टू केसेस, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो पिछली मैं आपको ये कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर केसिंग्स भी दिखाता हूं, तो आपको ये भी इंप्लीमेंट करके क्विकली चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये रिजल्ट हमें दिखाएगा। तो क्विकली इसको मोड पे इंप्लीमेंट करते हैं। सो सेम अब मेरे पास एक और लास्ट लॉजिक है कंपैरिजन का, सो कंपेयर लॉजिक हो गया 4 एंड ये प्रॉब्लम हो गया 19, एंड इस केस में मैं बोल रहा हूँ कैपिटल ए कंपेयर्ड विद स्मॉल बी। सो आप क्विकली कंपेयर करके देख सकते हैं जो मेरे पास कैपिटल ए है, कैपिटल ए डेफिनेटली बड़ा आएगा स्मॉल बी से, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा कैरेक्टर्स को दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको रन करूंगा ये भी हमें ट्रू देगा बिकॉज हमें पता है कि हमारा ए एनीवे बड़ा है बी से, चाहे वो बड़ा अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो। सो हमारे पास एक और लास्ट कंपैरिजन का स्ट्रेटेजी है। अब हम डिफरेंट कैरेक्टर्स देखेंगे डिफरेंट केसेस के साथ भी। सो हम देख रहे हैं कैपिटल ए का कंपैरिजन स्मॉल बी से। सो हमें पता है डेफिनेटली ए छोटा है कंपेयर टू बी, राइट? सो इवन दो मेरा केस बड़ा है बट ये कैरेक्टर तो छोटा है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो हमेशा कैरेक्टर को मिलता है एंड सेकंड प्रायोरिटी जाती है केसिंग को। अगर कैरेक्टर सेम है देन ओनली केस कंपेयर किया जाएगा, अगर मेरा कैरेक्टर डिफरेंट है तो डिसीजन कैन बी मेड ऑन कैरेक्टर्स आल्सो। तो आप देख सकते हैं अगर मैं कैपिटल ए को कंपेयर करूंगा स्मॉल बी से, ऑब्वियसली मेरा फॉल्स आएगा बिकॉज मेरा कैरेक्टर ए छोटा है फ्रॉम बी। चलिए क्विकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं मोड पे भी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेम प्रॉब्लम नंबर 18 मैं इसी को लिख देता हूँ प्रॉब्लम नंबर 19। तो इस केस में मैं बोल रहा हूँ नाउ कैपिटल ए कंपेयर्ड विद स्मॉल बी, तो मुझे पता है कि कैपिटल ए जो है और कैरेक्टर ए छोटा है कंपेयर टू माय बी, सो दैट इज इट इज गोइंग टू गिव मी फॉल्स हियर, राइट? सो यू कैन क्विकली सी हमारा इस केस में कंपेरिजन फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से गाइस हमने ये समझ लिया कि मिनिमम मैक्सिमम अगर मुझे स्ट्रिंग्स पे देखना है तो किस तरीके से स्ट्रिंग्स पे मिनिमम मैक्सिमम हैंडल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से हमने क्विकली मिनिमम मैक्सिमम के मल्टीपल लॉजिक्स को समझा। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो हमें एग्रीगेट फंक्शन पढ़ना है वो है एवरेज। सो एवरेज एज द नेम सजेस्ट बेसिकली एवरेज निकालता है, रिटर्न्स द एवरेज फ्रॉम द सेट ऑफ नॉन नल वैल्यूज। सो जिस तरीके से हमने काउंट को यूज किया, जिस तरीके से हमने मिनिमम मैक्सिमम को यूज किया एज अ फंक्शन, तो इस केस में एवरेज में भी हम एवीजी फंक्शन का यूज करेंगे एंड पास करेंगे कॉलम नेम जिसके ऊपर हमें एवरेज को रिटर्न कराना है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ कार इन माय डेटा सेट। सिंपल है, हमारे पास जितने सेलिंग प्राइस हैं उसका मुझे एवरेज फिगर आउट करना है फ्रॉम माय डेटा सेट। बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे सेलेक्ट एवरेज एवीजी ऑफ माय सेलिंग प्राइस एज एवीजी, हमने इसको एलियास कर दिया फ्रॉम द टेबल नेम। प्रीटी सिंपल, तो हमने सिंपल एवीजी फंक्शन का यूज करके सारे के सारे डेटा सेट के सेलिंग प्राइस में से एवरेज को कैलकुलेट कर लिया। चलिए मैं क्विकली आपको ये सेम इंप्लीमेंट करके भी दिखाता हूं मोड पे। तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 20 जिसमें है एवीजी फंक्शन। तो हमें सिंपल कैलकुलेट करना है एवरेज, सेलेक्ट एवीजी ऑफ सेलिंग प्राइस
as AVG from SQL for Business Analytics, जो हमारा टेबल है टेबल 4, एंड इसको क्योंकि हम रन करते हैं तो हमारे पास एवरेज प्राइस निकल कर आ जाएगी, एवरेज सेलिंग प्राइस फ्रॉम द एंटायर डेटा सेट, वेरी सिंपल। सो एवीजी फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं एंड उसमें हमें एवरेज ऑफ डेटा प्राइस टोटल पता चल गया। टोटल एवरेज इज 5,14,407, दैट इज माई एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना सिंपल ये भी देख लिया एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व करते हैं। सो वी कैन रिटर्न द कार नेम एंड इट्स एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कार्स अवेलेबल इन द डेटा सेट। सो बेसिकली नाउ डिपेंडिंग ऑन ईच ऑफ माय रेस्पेक्टिव कार नेम्स आई वांट टू सी द सेलिंग प्राइस। सो इस केस में हमें दिख रहा है अगर हमें कार नेम के अकॉर्डिंग करना है तो ग्रुप बाई होगा, ग्रुप बाई नेम करूंगा मैं। सो नेम एवरेज सेलिंग प्राइस फ्रॉम द सेम टेबल, और इस केस में मैं पर नेम निकालना है तो ग्रुप बाई नेम करके सिंपल एवरेज निकाल सकता हूं। चलिए क्विकली इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं मोड पे। ये लास्ट प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया था 20, अब मैं इस पे प्रॉब्लम 21 सॉल्व करता हूं, विच इज एवीजी विथ ग्रुप बाय। सो इस केस में बोलूंगा सेलेक्ट एवीजी और पहले मैं नेम लिख देता हूं, नेम देन एवरेज ऑफ सेलिंग प्राइस फ्रॉम सीक्वल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स car details 4 and group by name. So basically per name I want to see the average of selling price, totally possible hai. So main jaise hi per name average of selling price dekhta hu to mujhe har name ke accordingly uska average selling price nikal ke aa jayega. To dekh sakte hain per name mujhe average selling price iska nikal ke aa jayega. To ye ho gaya hamara problem number 21 jahan pe humne average function ko with group by bhi solve kar liya. Chaliye aage badhte hain. अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्रीगेट फंक्शन आता है वो है सम। तो सम अगेन एज द नेम सजेस्ट इट इज गोइंग, इट इज एन एग्रीगेट फंक्शन जो कि सम वैल्यू को रिटर्न करेगा। सम मतलब एडिशन करना है हमें सारे के सारे फंक्शन को, सारे के सारे वैल्यूज को। इसका भी सिंटेक्स वेरी सिंपल, तो सम फंक्शन को साथ में कॉलम नेम वी कैन पास। सो वट एवर माई कॉलम नेम इट कैन बी पास ओवर द सम फंक्शन एंड उसको वो सम करके मुझे दिखा देगा, सिंपल है। तो चलिए मैं क्विकली इसको सॉल्व करता हूं। मुझे फाइंड आउट करना है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कार्स इन द डेटा सेट। सो जितने कार्स हैं मेरे डेटा सेट में उन सारे के सारे वैल्यूज को मुझे सम करना है, टोटल वैल्यूज ऑफ माय ऑल कार्स। सो इस केस में मैं सिंपल सम कर सकता हूं, सम ऑफ ऑल द सेलिंग प्राइस, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सम ऑफ ऑल द सेलिंग प्राइस करूंगा मुझे पता है वो मुझे रिटर्न करेगा टोटल सम, सो टोटल सेलिंग वैल्यू बेसिकली ये। तो चलिए क्विकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं मोड पे। ये हमारा हो गया लास्ट 21 प्रॉब्लम। अब इस केस में हमारे पास नेक्स्ट आ गया प्रॉब्लम नंबर 22 जो कि है सम, एंड सेलेक्ट करूंगा मैं सम ऑफ सेलिंग प्राइस नाउ ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल नेम इज सीक्वल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कार डिटेल्स 4, एंड इसको मैं रीनेम भी कर देता हूं एज सम। टोटल सम ऑफ सेलिंग प्राइस मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके थ्रू मिल जाएगा। तो हमने देखा क्विकली यहां पे हमारे पास जो आउटपुट भी आ रहा है बहुत ही सिंपल है, टोटल सम ऑफ सेलिंग प्राइस इसको हम देख सकते हैं, जो हमारे पास ऑल द रिकॉर्ड्स का टोटल सेलिंग प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी सम के केस में। तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कार नेम रिटर्न करना है एंड सम ऑफ ऑल द कार्स अवेलेबल फॉर सेल्स एंड द नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल फॉर सेल इट्स एवरेज सेलिंग प्राइस एंड द सम ऑफ ऑल द सेलिंग प्राइसेस। सो बेसिकली मल्टीपल डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस हैं, पर नेम आई वांट टू रिटर्न नंबर ऑफ कार्स, बेसिकली काउंट करना है हमें, काउंट ऑफ कार्स, काउंट ऑफ नेम, इट्स एवरेज सेलिंग प्राइस सो एवीजी ऑफ सेलिंग प्राइस एंड ऑल्सो सम ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस सो सम of all selling price. ये मल्टीपल फंक्शन हमें एक साथ इंप्लीमेंट करना है, बहुत ही सिंपल है, कर सकते हैं। तो इस केस में काउंट ऑफ नेम एज माय कार्स अवेलेबल, एवरेज सेलिंग प्राइस, सम सेलिंग प्राइस, ग्रुप बाय नेम एज इट इज रहेगा, तो हर एक कार के रेस्पेक्टिव में मल्टीपल डिफरेंट डिटेल्स आ जाएंगी हमें। तो चलिए क्विकली इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं मोड पे। अब हमारे पास जो यहां पर लॉजिक है प्रॉब्लम नंबर 23, मल्टीपल
एग्रीगेट फंक्शन। मैं बोल रहा हूं सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट ऑफ सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट ऑफ नेम एज टोटल कार्स कॉमा एवीजी ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज एवरेज प्राइस कॉमा सम ऑफ सेलिंग प्राइस एज सम प्राइस फ्रॉम सीक्वल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स फोर ग्रुप बाय नेम। सो पर नेम आई एम ट्राइंग टू सी ऑल द थ्री डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस द मोमेंट यू गोना रन दिस। सो पर नेम आई एम गोइंग टू गेट द डिटेल्स काउंट ऑफ माय कार्स एवरेज प्राइस एंड टोटल सम ऑफ सेलिंग प्राइस एज वेल सिंपल ग्रुप बाय नेम। सो पर नेम ये सब मुझे डिटेल्स निकल के आ गए। सो मैं आपसे चले रही हूं कि नंबर ऑफ कार्स वन है एवरेज प्राइस इज बिकॉज़ एक ही है तो एक ही होगा। सो लाइकवाइज जितने भी नेम्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके एग्रीगेट फंक्शंस को कैलकुलेट करना चला जाऊंगा। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन को भी इंप्लीमेंट कर लिया अपने सिंपल ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन है फाइंड द कार्स हूज एवरेज सेलिंग प्राइस इज ट्वाइस द मिनिमम सेलिंग प्राइस। सो बेसिकली अब हमें एक फिल्टर क्लॉज लगाना है जहां पे मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द कार शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द मिनिमम ऑफ माय सेलिंग प्राइस। तो ये जो एवरेज सेलिंग प्राइस है बेसिकली एक एग्रीगेटेड फीचर है, लाइकवाइज मिनिमम सेलिंग प्राइस एक एग्रीगेटेड फीचर है। सो बेसिकली इन दो एग्रीगेटेड फीचर्स पे मुझे फिल्टर क्लॉज रन करना है। तो हमें पता है कि अगर हमें एग्रीगेटेड फीचर्स पे अगर फिल्टर क्लॉज रन करना है तो वो होगा हैविंग के साथ। तो कैसे क्वेरी लिखेंगे, सिंपल है। हमारे पास हम सिर्फ वो नेम सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमारा ग्रुप बाय नेम होगा एंड पर नेम हमें फिगर आउट करना है एवरेज सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन हमारा टू टाइम्स ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस। प्रीटी सिंपल। सो हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन ट्वाइस द मिनिमम सेलिंग प्राइस। चलिए क्विकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं मोड पे भी। तो हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम नंबर 24 हैविंग क्लॉज। ओके, सो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है नेम फ्रॉम नेम from SQL for business analytics car details for group by name and also having average of selling price should be more than twice of minimum of selling price। simple। तो हमने इसको having clause में implement कर लिया। अभी हम किस इसको रन करके भी देख लेते हैं। सो आई एम ओनली ट्राइंग टू गेट दोज नेम्स जहां पे एवरेज सेलिंग प्राइस उनका ज्यादा है ट्वाइस द मिनिमम ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये सारी वो कार्स हैं जहां पे आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअली मोर है ट्वाइस द मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से क्विकली हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। तो गाइस इसी के साथ साथ हमने एक्चुअली अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो रिजल्ट जो हमने देखा एग्जैक्टली द सेम। सो अगर आप क्विकली समराइज करें हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, तो हमने स्टार्ट किया था एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। हमने एग्रीगेट फंक्शंस में स्टार्ट किया काउंट, हमने काउंट की भी डिफरेंट टाइप्स देखे किस तरीके की क्वेरीज को हम रन कर सकते हैं। फिर हमने बात किया मिनिमम मैक्सिमम, फिर हमने बात किया एवरेज, हमने बात किया सम, एंड इन सब को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्वेरीज में, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज हो सकते हैं हमने वो सारे देखे। एंड हमने इसको सॉर्टिंग फंक्शंस के थ्रू भी देखा, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग जो हमने लास्ट में किया था लिमिट, सो इसके थ्रू भी इसको किस तरीके से हम एड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एग्रीगेट सॉर्टिंग हमने क्विकली इस लेक्चर में पढ़ा। तो इसी के साथ साथ हम अब इस वीडियो को रैप अप करेंगे। We're going to meet you in the next video with another set of interesting functions. Till then, happy learning, guys. See you in the next one. Bye-bye.